Hello, I am Vivek and this is the fifth lecture of the series in which we are solving PYQs of CSAT papers 2010 onward. So in today's class, first we'll see some basic concepts about time, speed and distance. Then we'll try to solve some questions related to this topic that has already been asked in the UPSC in previous years. Right, so सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कुछ unit, conversion units like 1 hour कितना होता है 60 minutes, ये तो सबको पता है. तो 60 into 60 seconds equal to 3600 seconds, ये आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, है ना. वहाँ पे आप 60 into 60 मल्टीप्लाई करें, है ना, वो नहीं करना है. डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 3600 seconds होते हैं, है ना. एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सबको पता है, बट फिर भी मैं लिखे दे रहा हूँ 1000 मीटर्स. वैसे इसमें यूज आएगा नहीं, बट एक सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो भी पता ही होना चाहिए. 1 माइल में कभी कोई कंफ्यूज हो सकता है, 1.5 ले सकता है, तो 1.6 किलोमीटर होते हैं. 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, राइट. देन आप ऐसे कह लो कि ये कन्वर्जन फार्मूला आपको याद रखना है, 1 किलोमीटर, या ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर पर आर, राइट. ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है. अब हम देखते हैं कि कैसे होता है. 18/5 किलोमीटर पर आर, इसको किलोमीटर्स को मीटर में एंड आर को सेकंड में लिख देते हैं. तो 18 इंटू किलोमीटर्स को मीटर में लिखेंगे तो 1000, देन आर को 18/5, हमारे पास क्या था, 18/5 किलोमीटर पर आर. हमने क्या करा, किलोमीटर्स को मीटर्स में एंड आर्स को सेकेंड्स में लिखा ताकि हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर पाएँ. तो 18/5 पहले से ही था, इंटू 1000/3600, है ना. हमने देखा था 3600 सेकेंड्स होते हैं एक आर में, एंड एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 18/5 इंटू 10/36, टू कैंसिल आउट होके 1, यानी कि 18/5 किलोमीटर पर आर इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड. यही तो देखा था हमने, है ना, फॉर्मूला ये लिखा था ना, 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आर. तो आपको क्या याद रखना है कि 1 मीटर पर सेकेंड दिया हो और आपको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और अगर मान लें कि किलोमीटर पर आर में दिया हो और किसी वजह से मीटर पर सेकंड में हमें चाहिए हो वैल्यू, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. 5/18 कैसे, 5 को, है ना, मतलब 18/5 को उधर भेजेंगे तो 5/18 हो जाएगा ना. 18/5 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18, तो वही लिखा है यहाँ पर, फिर तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला. देन काफ़ी बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आई डोंट थिंक किसी को ऐसा होगा जिसको ये फॉर्मूला पता ना हो सकता है कभी याद ना हो, बट पता मोस्टली होता है सबको. तो अब इसमें आप भूल, मतलब जैसे देखिए, कोई भी स्पीड आप कैसे बताते हैं, मान लीजिए आपने लिया एग्जांपल 60 किलोमीटर पर आर, है ना. हम बाइक की स्पीड ले लें, हम कार की स्पीड ले लें, किसी भी चीज़ की स्पीड ले लें, या स्पीड लिमिट वगैरह मेंशन्ड होती है, तो क्या होता है कि भाई 40 किलोमीटर पर आर के ऊपर मत चलाना इस एरिया में, है ना. ओवर स्पीडिंग मान लो कहीं बोल दिया कि 90 km पर आर के ऊपर चलाया तो ओवर स्पीडिंग है, चालान कटेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो स्पीड को देखिए हम किस में बताते हैं, किलोमीटर पर आर, जो इसकी यूनिट होती है. तो आपको यहाँ समझ आ रहा होगा किलोमीटर पर आर है तो किलोमीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, यानी कि डिस्टेंस. देन आर किसकी यूनिट होती है, टाइम की. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड लिखते हैं. आप अगर कभी भूल जाओ तो उसके लिए बता रहा हूँ ये. तो आपको याद क्या क्या रखना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. ये फॉर्मूला देखा, देन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम को इधर भेज दीजिए. देन ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
राइट, ये तीनों फॉर्मूले यूज होते हैं इंटरचेंजेबली, आप इनमें से कोई एक याद रख सकते हैं, बाकी मतलब निकाल ही लेंगे, है ना। अगर आपको याद है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, टाइम को इधर भेजिए, टाइम निकालने के लिए क्या, टाइम को इधर भेजिए, स्पीड को इधर भेजिए, हो जाएगा राइट। अब ये 40 आपको मतलब ये स्पीड वाला फॉर्मूला तो याद ही हो गया राइट, ये फॉर्मूला आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हम नेक्स्ट एक चीज़ पे आते हैं, जैसे मान लीजिए अपने को ये तो पता है स्पीड को अगर हम दिखाते हैं वी से, है ना, वी वेलोसिटी होता है, तो हम स्पीड को वी से दिखा देते हैं। डी होता है अपना डिस्टेंस और टी होता है अपना टाइम, है ना, वी इक्वल डी बाई टी राइट। अब अगर हम बोल दें कि भाई टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि दो केसेस हैं, जैसे मान लीजिए ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, इसके बीच में डिस्टेंस है मान लीजिए यहाँ से डी वन, यहाँ से डी टू, यहाँ पे वेलोसिटी है वी वन, यहाँ पे वेलोसिटी है वी टू, बट टाइम यहाँ भी टी लग रहा है, मतलब ए से बी जाने में डिस्टेंस डी वन कवर करनी पड़ रही है, टाइम लग रहा है टाइम लग रहा है टी और वेलोसिटी है वी वन, देन बी से सी जाने में डिस्टेंस डी टू कवर करनी पड़ रही है, वेलोसिटी है वी टू, वेलोसिटी है स्पीड, है ना। अभी वैसे तो डिफरेंट होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, स्पीड स्केलर होता है, बट वो सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वेलोसिटी स्पीड अगर इंटरचेंजेबली यूज़ करता है क्वेश्चन में तो चिल है, वेलोसिटी बोलेगा आप स्पीड समझ लेना उसको, मतलब इसके इसके क्वेश्चन में। देन बी टू सी में क्या है, डिस्टेंस डी है, स्पीड वी टू है एंड टाइम टी लगता है। तो आप बताइए अगर हम टाइम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं तो V प्रोपोर्शनल टू D हो जाएगा। V प्रोपोर्शनल टू D का मतलब है कि अगर हम V को 4 गुना करेंगे तो D भी 4 गुना होगा, V को 5 टाइम्स करेंगे तो D भी 5 टाइम्स होगा, है ना। V को 10 बढ़ाएंगे, V प्लस 10 करेंगे तो D प्लस 10 नहीं होगा। लाइक समेसन में प्रोपोर्शनलिटी का नहीं होता कि समेसन मतलब जितना इधर ऐड करेंगे उतना उधर ऐड होगा, नहीं, बट जितने टाइम्स V वाले को करेंगे लेफ्ट को उतने टाइम्स D हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं वी वन बाई वी टू राइट। वी वन क्या है, वी वन प्रोपोर्शनल टू डी वन है, वी टू प्रोपोर्शनल टू डी टू है, क्योंकि वी प्रोपोर्शनल टू डी है ना, ये जनरल टर्म लिखा है मैंने कि वेलोसिटी स्पीड प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, बट अगर पर्टिकुलर केस में लें ए टू बी और बी टू सी में तो क्या मिलेगा हमें, वी वन प्रोपोर्शनल टू डी वन एंड वी टू प्रोपोर्शनल डी टू, इसको अगर डिवाइड कर दें तो वी वन बाई डी वन इक्वल टू वी टू बाई डी टू। तो बेसिकली जो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है वी प्रोपोर्शनल टू डी, उसका यूज यही है कि ऐसे लिखते हैं कि हमें मान लेते हैं इसमें से वी वन पता है, डी वन पता है, डी टू पता है, वी टू नहीं पता निकाल लेंगे, या वी वन वी टू डी वन पता है, डी टू नहीं पता है निकाल लेंगे, वी वन वी टू डी टू पता है, डी वन नहीं पता है निकाल लेंगे। इन चार में से कुछ भी तीन पता है, या ऐसा भी हो तीन नहीं पता हो, बस हमें वेलोसिटी का रेशियो पता हो तब भी निकाल लेंगे राइट। वेलोसिटी का रेशियो पता हो, एक डिस्टेंस पता, दूसरी आ जाएगी, या ऐसा भी हो कि वेलोसिटी वी वन बाई डी वन का रेशियो पता हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, वी वन बाई डी वन इक्वल्स टू वी टू बाई डी टू, है ना। पता चला वी वन बाई डी वन कैसे भी करके पता है क्वेश्चन से, वी टू नहीं पता है, डी टू निकाल लेंगे राइट। तो ये अपना कौन सा केस हुआ जब टाइम कॉन्स्टेंट था। अभी ये बताइए आप, वी इक्वल्स टू डी बाई टी था। अब अगर हम क्या करें, वी को कॉन्स्टेंट कर दें तो डी पहले तो लिखेंगे कैसे, वी इन टू टी, वी कांस्टेंट है तो डी प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। डी प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब क्या हुआ कि डी वन बाई डी टू इक्वल्स टू टी वन बाई टी टू। मानते हैं ए है ये है बी, ये है सी, यहाँ पे डिस्टेंस है डी वन, वेलोसिटी है वी, यहाँ पे डिस्टेंस है डी टू, वेलोसिटी है वी, वेलोसिटी जो स्पीड है ना, बहुत बार बोल चुका, आप वेलोसिटी स्पीड को सेम ही लेकर चलिएगा, होता सेम नहीं है बट इन क्वेश्चंस के लिए सेम मान के चलिएगा, वेलोसिटी लिए बोल रहा है या स्पीड बोल रहा है, इसमें टाइम लग रहा है टी वन, इसमें टाइम लग रहा है टी टू। तो ए टू बी जाने में डी वन डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, वी इज़ द वेलोसिटी एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज़ टी वन। सिमिलरली फॉर बी टू सी डिस्टेंस इज डी टू, वेलोसिटी विद विच दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इज वी, दैट इज सेम एज दिस वेलोसिटी एंड टाइम टेकन इज टी टू राइट। तो इस केस के लिए जिसमें कि डी को हमारा वी कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला बनेगा। तो चाहे तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि डी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी, या ऐसे याद रख सकते हैं डी वन बाई डी टू इक्वल टू टी वन बाई टी टू। अब अगर मैं बोल दूँ ये कौन सा है,
v बराबर कांस्टेंट। अब अगर मैं ले लूं d कांस्टेंट, d को कांस्टेंट लेते तो क्या बनेगा अपना, होता है ये फॉर्मूला v इक्वल टू d बाई t। देखिए बार बार मैं उसी फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, जिससे कि एटलीस्ट आपको ये याद हो जाए। या आपको अगर वेलोसिटी वाले से कंफ्यूज नहीं होना है तो आप इसको एस भी लिख सकते हैं स्पीड को, राइट। बट कभी कभी क्वेश्चन में वेलोसिटी भी आ जाता है तो इसलिए मैं वी से लिख रहा हूँ, कि स्पीड तो मतलब पता ही है, वेलोसिटी वाला एक के से छूट सकता है तो वही पता हो जाए, राइट। तो वी इक्वल डी बाई टी लिया, देन हम देखते हैं कि अब अगर डी कॉन्स्टेंट है तो अब डी को हटा देते हैं और प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं। सिमिलरली यही कहता है ना, अगर डी इक्वल टू वी इंटू टी था तो वी को हटाया, इधर प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया कि वी तो कॉन्स्टेंट है, वी को हटाओ, टी के प्रोपोर्शनल है, टी वेरिएबल है, जैसे जैसे टी चेंज होगा वैसे वैसे डी चेंज होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या करते हैं, डी को हटा देते हैं कि वी प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कौन सा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कि एन टाइम्स होगा क्वांटिटी लेफ्ट साइड वाली तो राइट साइड वाली भी एन टाइम्स होगी। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड वाली अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, कि लेफ्ट साइड वाली अगर एन टाइम्स होगी तो राइट साइड की जो क्वांटिटी है वो वन बाई एन टाइम्स होगी, टी अपना वन बाई एन होगा, राइट। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि राइट साइड वन बाई एन मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई तो एन ही होगा बट क्वांटिटी वन बाई एन टाइम्स होगी, राइट। तो अब इसको अगर हम लिखें ऐसे रिलेशन बना के तो क्या हो जाएगा, सिंपली वी वन बाई वी टू इक्वल्स टू टी टू बाई टी वन, ये याद रखना है, टी टू बाई टी वन है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं वन बाई एन वाली क्या बात बोल रहा था, जैसे मान लीजिए एन वी को मैं लिखता हूँ, मान लीजिए कॉन्स्टेंट है सी, जो हमने लिया था डी, चाहे डी को रख लीजिए तो सी को रख लीजिए, तो डी ले लेते हैं, डी एन बाई टी, राइट। हमारे पास ये फॉर्मूला था वी इक्वल टू डी बाई टी, तो मैंने लिखा एन वी इक्वल टू एन डी बाई टी। अब हमारे को पता है कि डी यहाँ पे जितना था उतना ही डी यहाँ पे भी होगा, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे v इक्वल टू डी बाई टी है ना, ये एक केस है। देन हमने क्या करा, दोनों साइड l मल्टीप्लाई किया, एन वी इक्वल टू एन डी बाई टी, बट ये d तो इक्वल होगा, राइट। क्यों, क्योंकि हमने जो केस लिया है वो क्या है, d इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस वाला केस लिया है, तो d सेम होगा। तो अब इधर तो n v हो गया, बट इधर ये n किस में एडजस्ट होगा, n जाके टाइम में एडजस्ट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, n को नीचे ले जाएं, तो नीचे ले जाएंगे तो t से भी डिवाइड होगा, अगर ऊपर में d से मल्टीप्लाइड है तो नीचे ले जाएंगे तो t से भी डिवाइड होगा, राइट। तो एन वी इक्वल टू डी बाई टी बाई एन, तो अगर इसको n को हम, अगर हम v को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो t जो है n से डिवाइड होगा, वही मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, राइट। बाकी इन्वर्सली का मतलब क्या है, वी वन बाई वी टू है तो इधर टी टू बाई टी वन होगा, क्वेश्चन में ज़्यादातर यही यूज होगा। या कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है कि वो प्रोपोर्शनल है, स्पीड को पाँच गुना कर दिया गया, अब बताओ वेलोसिटी उसमें टाइम में कितना चेंज होगा, राइट। तो आप बोल दोगे भाई टाइम वन फोर्थ हो जाएगा, वैसे भी सोच लो स्पीड अगर ज़्यादा है, मान लेते हैं कोई 40 किलोमीटर पर आर से कम ट्रैवल कर रहा है और 80 किलोमीटर्स कवर करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 80 किलोमीटर टोटल है भाई, 40 किलोमीटर पर आर जो कि उसकी स्पीड है, टू आर लगेंगे। बट अगर कोई मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा भाई, उसको 20 किलोमीटर पर आर का मतलब क्या, किलोमीटर पर आर से समझिए कि एक आर में 20 किलोमीटर चलता है, तो जब एक आर में 20 किलोमीटर चलता है और 80 किलोमीटर चलना है तो कितने आर्स लगेंगे, 4 आर्स, और अगर 40 किलोमीटर पर स्पीड थी तो कितना लग रहा था, 2 आर। तो आप देखिए कि क्या हो गया, स्पीड को हमने हाफ किया, दैट इज 2 से डिवाइड किया, तो टाइम जो है 2 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। यही कॉन्सेप्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। बाकी आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, मतलब कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, ये वाला याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इस फॉर्म में याद कर लीजिए, v इक्वल डी बाई टी। उस यहाँ से आपको दिख जाएगा कि भाई टाइम कॉन्स्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू d, देन d कॉन्स्टेंट है तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। अगर मान लेते हैं कि v ही कॉन्स्टेंट है तो d इज प्रोपोर्शनल टू t, है ना, इधर भेज देंगे इसको। अगर v कॉन्स्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला, जैसे आप देखिए ये कॉन्स्टेंट है तो d इज प्रोपोर्शनल टू t,
डी इज प्रोपोर्शनल टू टी, अगर ये वी कॉन्स्टेंट है, राइट। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, और इतना मतलब इतना दिमाग में ये बात तो रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा दे सकता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा दे दिया और उसमें स्पीड ही चेंज हो रही है मान ले, और डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रह रहा है, और फिर बाद में उसने पूछ लिया क्या ठीक है इनका वो बता दो कि अब टाइम में कितना चेंज होगा। तो आपको ये डायरेक्टली करना आना चाहिए, है ना। इसके लिए ये नहीं कि हम एकदम ज़ीरो से कर रहे हैं, ये डायरेक्टली आना चाहिए। देन नेक्स्ट चीज़ है अपना एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज का आपको हमने डिस्कस किया था कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है टोटल वैल्यू बाई नंबर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे एवरेज, एवरेज स्पीड का लिखेंगे कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। किसी भी केस में निकालना हो, कहीं भी निकालना हो, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ एवरेज स्पीड का, है ना। ये फॉर्मूला कोई पर्टिकुलर केस के लिए नहीं है, ये है ना, कोई स्पेशल केस के लिए नहीं है, कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेट ऑफ कंडीशंस के लिए नहीं है। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लीकेबल है ना। ये बेसिकली आप ऐसा कह लें ये एवरेज स्पीड की डेफिनेशन ही तो है, तो डेफिनेशन है तो ये हर जगह अप्लीकेबल है, राइट। कहीं भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन निकालने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो वो हम एक बार तरीके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं V1 डिस्टेंस, आप मतलब D1 डिस्टेंस V1 स्पीड से कवर की, D2 डिस्टेंस V2 स्पीड से कवर की, D3 डिस्टेंस V3 स्पीड से कवर की, देन अब पूछ रहे हैं कि टाइम क्या लगेगा, तो आप V एवरेज क्या लिखेंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3, मान लीजिए ऐसे DN तक है, नीचे T1 प्लस T2 अप टू TN। अब आपको हो सकता है क्वेश्चन में T1 ये D1 और D2 ये D3 सब दिए हों, और T1 T2 T3 दिए हों, तो ठीक है दोनों लिख के नीचे डिवाइड कर, मतलब लिख के ऊपर नीचे सम करके डिवाइड कर देंगे, बट अगर नहीं दिए तो कभी निकालना पड़ सकता है। तो हम थोड़े से स्पेशल केसेस देखते हैं। मान लेते हैं कि अपना जो है डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है ना। अभी हमने डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट और स्पीड कॉन्स्टेंट लेके क्या कैलकुलेट किया था हमने, प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन। अभी हम सेम तीन केसेस लेके क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो देखते हैं एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। मान लेते हैं इसने D1 डिस्टेंस V1 वेलोसिटी से कवर किया है T1 टाइम में। ये जैसे A से B, B से C है ना, ये A स्टेशन है, ये B स्टेशन है, C स्टेशन है, इसकी डिस्टेंस है D1, इसकी स्पीड है V1, टाइम टेकन है T1। इसकी स्पीड यहाँ से मतलब इसकी स्पीड मतलब बी टू सी जाने में व्हीकल की स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड मतलब ए टू बी जाने में व्हीकल की स्पीड कितनी है। तो ए टू बी जाने में व्हीकल की स्पीड है V1, टाइम टेकन इज T1 एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज D1। सिमिलरली बिटवीन बी टू सी टाइम टेकन इज T2, स्पीड और वेलोसिटी इज V2 एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज D2, राइट। एवरेज स्पीड अगर लिखे हैं हम एक और ले लेते हैं, है ना, डी भी है इसका सब कुछ है, V3, T3 और D3, यानी V3 स्पीड है, T3 टाइम लग रहा है और D3 इसकी डिस्टेंस है C टू D। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3। हम अगर A टू D एवरेज स्पीड निकालेंगे तो पहले ऊपर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। कहीं भी एवरेज स्पीड निकालना हो ये फॉर्मूला आपको बोलना नहीं है, ये वाला फॉर्मूला या स्टम में जैसे भी याद रख लीजिए, ऊपर सारे डिस्टेंसेस का सम, नीचे सारे टाइम का सम, क्योंकि हमारी स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड होती डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब टोटल डिस्टेंस हमें लिख दिया D1 प्लस D2 प्लस D3, नीचे लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3, राइट। T1 प्लस T2 प्लस T3, बट यूजली होता क्या है अपने को ऐसे प्रॉब्लम्स में जिनमें स्पीड निकालनी होती है एवरेज, उनमें टाइम न देके वो लोग क्या करते हैं, स्पीड ही दे देते हैं, राइट। वो बोल देंगे मतलब वो डायरेक्टली स्पीड ही दे देंगे, टाइम नहीं देंगे,
जिनमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है, मोस्टली क्वेश्चंस में ये होगा काफ़ी, मतलब कुछ क्वेश्चन में टाइम भी देंगे, वो तो उसमें तो इजी हो जाएगा थोड़ा, अगर टाइम भी दिया डिस्टेंस भी दिया सीधा निकाल लोगे। बट क्या करते हैं यूजली ऐसा देते हैं डिस्टेंस के रिलेशन दे देते हैं कुछ ना कुछ, और वेलोसिटी दे देंगे, या टाइम के रिलेशन दे देते हैं और ये वेलोसिटी यानी कि स्पीड दे देंगे। तो इस केस में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि D1, D2, D3 तो हमें पता है, मतलब D1, D2, D3 में ये पता है कि ये सारे हैं इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट का केस ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है। और टाइम कैसे दिया, टाइम नहीं दिया है उन्होंने, डिस्टेंस के टर्म में दिया है, मतलब वेलोसिटी के टर्म में दिया है। तो अब हमें वेलोसिटी पता है तो टाइम निकाल सकते हैं। टी क्या होता है, D/V, टाइम D/V होता है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, D1 + D2 + D3 / T1 क्या होगा, D1/V1, V1 हमें पता है राइट, तो T1 हो जाएगा D1/V1, T2 हो जाएगा D2/V2, T3 हो जाएगा D3/V3 राइट। अब हमारे को पता है D1 = D2 = D3, तो इसको पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा D + D + D / D/V1 + D/V2 + D/V3 राइट, क्या हो गया 3D, एवरेज स्पीड को 3D डिवाइड बाई, डी कॉमन ले लेते हैं, 1/V1 + 1/V2 + 1/V3 ना, डी कैंसिल कर देते हैं राइट, डी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3/1/V1 + 1/V2 + 1/V3 ना। ये एक फॉर्मूला ही मतलब याद रखते हैं लोग, तो आप भी इसको चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने निकालने का मेथड बता दिया है। निकालते कहते हैं कभी भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। यहाँ पे हमने केस लिया था कि भाई डिस्टेंसेस ट्रैवल जो हैं हर एक इंटरवल में वो कांस्टेंट थी, ये A to B, B to C, C to T, इनके डिस्टेंस बराबर थी। देन हमने देखा कि भाई टाइम तो दिया नहीं था, हमें वेलोसिटी के टर्म में टाइम निकालना था, तो वेलोसिटी डिस्टेंस के टर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का रिलेशन पता है कि भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वो पता था कि कट जाएगा आगे चल के। और टाइम दिया नहीं था और वेलोसिटी दी थी, तो टाइम को उसके टर्म में लिख दिया, D1/V1, D2/V2, D3/V3 हो गया। देन D1, D2, D3 सेम थे, उनको इक्वल डाल दिया और कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे ये फॉर्मूला आ गया 3/1/3/1/V1 + 1/V2 + 1/V3। ये है कि हमें तीन दिया है, जब अगर हमें सिर्फ दो ही दिया होता कि A to B और B to C जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता बताइए, 1/2, यहाँ टू आता ना, यहाँ पे 3 आया था, तो 3 क्यों आया था, क्योंकि तीन डिस्टेंसेस थी D1 + D2 + D3, तो 3 आया था, तो यहाँ पे D1 + D2 ही आएगा ना, ये D1 ये D2, तो ऊपर 2 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1/V1 + 1/V2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V2 + V1 / V1 V2 = 2V1V2 / V1 + V2। दो वाले केस में लोग ऐसे भी याद रखते हैं, बट ऐसे दो वाले के लिए याद करो, या तीन वाले के लिए ऐसा फॉर्मूला बनेगा नहीं, है ना, मतलब बन जाएगा बट वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब अगर बनाना चाहोगे तो अब क्या बनेगा, देखो V1 V2 V3 कॉमन आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देन ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा V2 * V3, यहाँ तो V3 * V1, यहाँ पे V1 * V2, यानी कि क्या आ जाएगा, 3V1V2 / V1 V2 + V2V3 + V3V1। क्या करेंगे इतना याद करके राइट, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे टर्म में सिंपली रखो आप, जितनी भी स्पीड एंड डिस्टेंसेज हैं उस वो ऊपर आता है नंबर, यानी कि 3 / 1/V1 + 1/V2 + 1/V3 सिंपली। अब V1 V2 V3 नहीं लिख दो 1/V1 + 1/V2 + 1/V3 के टर्म में, तो ये ध्यान रखना कि यूनिट का रखना है, तो मतलब यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वी वेलोसिटी, तो उधर भी तो वेलोसिटी आना चाहिए ना। अब अगर 3/V1 + V2 + V3 कर देंगे तो वो तो वेलोसिटी क्या, 1/वेलोसिटी हो जाएगा राइट। इधर आएगा हमारा किलोमीटर पर आर, उधर आएगा आर पर किलोमीटर, मतलब वेलोसिटी का जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, तो जस्ट उल्टा नहीं नहीं करना है, इसलिए 1/V1 + 1/V2 + 1/V3 आता है, याद रखने के लिए ये कर सकते हैं। दो वाले का ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे इसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने थोड़ा सा ही डिस्कस किया था,
बाकी अब थोड़ा सा प्रोग्रेशन एक बार डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा देख लेंगे मीन का, बट अभी आपको जानने की जरूरत नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बस इसकी वैल्यू इतनी आती है ये चाहे तो याद कर सकते हैं। ये थोड़ा फ्रिक्वेंटली यूज हो जाता है डायरेक्टली, या इस फॉर्म में भी याद करिए कोई दिक्कत नहीं है, टू अपॉन वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, कोई दिक्कत ही नहीं है राइट। अब सेकेंड केस लेते हैं कि टाइम इज कॉन्स्टेंट। अब अगर टाइम कॉन्स्टेंट है ना, दो वाला केस लेके ठीक है, तीन वाला ले लेते हैं, ये सिमिलर डायग्राम है ना, ये डायग्राम हर जगह यूज करूँगा मैं। तो अगर तीन वाला फिर से केस लिया तो एवरेज वेलोसिटी वी क्या हो जाएगा, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। अब इन्होंने बोला है कि भाई टाइम है कॉन्स्टेंट राइट, और हमें डिस्टेंसेस का कुछ नहीं पता है, हमें हर केस में जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा मोस्टली केसेस में हमें वेलोसिटी पता होगी। तो वेलोसिटी पता होगी तो हमें ना तो डिस्टेंस एग्जैक्ट पता होगी ना तो टाइम पता होगा, हमें बस डिस्टेंस और टाइम में से एक में रिलेशन पता होगा कि भाई वो रिलेशन क्या है, वो कॉन्स्टेंट कौन सा है, इसमें से टाइम कॉन्स्टेंट है या डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, दो में से एक कॉन्स्टेंट ही देंगे, और भी रिलेशन दे सकते हैं बट मेजरली वो कॉन्स्टेंट वाला ही देंगे, और भी देंगे तो क्योंकि हम ऐसे कवर कर लेंगे कि आपको समझ आ जाएगा करना क्या एग्जैक्टली, बाकी अभी क्वेश्चन में देखेंगे राइट। अभी यहाँ पे कौन सा केस है, टाइम कॉन्स्टेंट है और हमेशा की तरह इन्होंने उसके अलावा कोई डेटा नहीं दिया है, उसके अलावा बस इतना बताया है टाइम कॉन्स्टेंट के अलावा कि वेलोसिटीज ये वी वन वी टू वी थ्री है, वेलोसिटीज के टर्म में हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है ना, डिस्टेंस और टाइम पता है फिर तो बहुत सिंपल हो जाएगा, डी वन प्लस डी टू बाई प्लस डी थ्री बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। बट अज्यूम करते हैं ये नहीं पता है हमें, हमें वेलोसिटी के टर्म में निकालना है, तो डी वन को क्या लिख सकते हैं, वी वन टी वन, डी टू क्या लिख सकते हैं, वी टू टी टू, डी थ्री को क्या लिख सकते हैं, वी थ्री टी थ्री डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। अब टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इक्वल है जो कि टी है, यानी टाइम कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है ना कि टी वन इक्वल टू टी टू इक्वल टू टी थ्री है, तो ठीक है पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, हर जगह टी आएगा कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड बाई थ्री टी है ना, टी 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 है ना, टी वन की जगह भी टी, टी टू की जगह भी टी, टी थ्री की जगह भी टी, यानी कि थ्री टी। तो ये सिंपली वही बन जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बाई थ्री राइट। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बाई थ्री, ये फॉर्मूला आएगा जब टी इज कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट है तब ये फॉर्मूला आएगा है ना, चार हो पाँच हो छः हो, तो जब टाइम कॉन्स्टेंट दिया है तो आपको क्या करना है कि सिंपली सारी वेलोसिटीज को जोड़ के डिवाइड बाई द नंबर ऑफ वेलोसिटीज कर देना है, जैसे तीन वेलोसिटीज थी तीन ड्यूरेशन दिया हुआ था तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री लिया डिवाइड बाई थ्री कर दिया, पाँच होती तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फाइव डिवाइड बाई फाइव। अब के लेते हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट है ना, वी वन इक्वल्स टू वी टू इक्वल्स टू वी थ्री इक्वल्स टू वी, तो यहाँ पे एवरेज वी कितना हो जाएगा, एवरेज वी विल सिंपली बी इक्वल टू वी। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो वही तो एवरेज वेलोसिटी आएगी ना, आप बताइए ए से बी वो भी जा रहा है वी वेलोसिटी से, टाइम कुछ भी लग रहा है डिस्टेंस कुछ भी है, बी टू सी भी जा रहा है वी वेलोसिटी से और सी टू डी भी जा रहा है वी वेलोसिटी से, अगर वो पूरे टाइम वी वेलोसिटी से ही चलता रहा तो एवरेज वेलोसिटी भी तो वी ही हो जाएगी ना, चेंज ही नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपके लगातार 10 टेस्ट में 8 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 10, कि पहले में भी 8 दूसरे में भी 8 तीसरे में भी 8 ऐसे करते करते 10ों में 8 है, तो 80 मार्क्स टोटल हुए डिवाइड बाई 10 है ना, 8 एवरेज हो गया, आपके हर टेस्ट में भी 8 आ रहे थे है ना, वो तो चलो नंबर का एवरेज हो गया। स्पीड वाला भी देखें, मान लो कोई बंदा है या बंदी है वो जा रही है कुछ 60 किलोमीटर पर आवर से राइट, कोई कार है जिसको ड्राइव कर रही है कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है, ए टू बी भी 60 किलोमीटर पर आवर रखा, बी टू सी भी 60 किलोमीटर पर आवर रखा, सी टू डी भी 60 किलोमीटर पर आवर रखा, जब पूरे टाइम उसने 60 किलोमीटर पर आवर ही रखा है तो फिर तो हो गया ना, वही तो एवरेज हो जाएगा, कभी उसने चेंज ही नहीं करा, या आप इसको फॉर्मूला ड्राइव भी करना चाहो तो वी क्या हो जाएगा, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। अब डी को क्या लिख सकते हैं, वी वन इंटू टी वन, वी वन टी वन प्लस वी टू टी टू
plus V3T3 divided by T1 plus T2 plus T3. अब V1, V2 और V3 तीनों इक्वल टू V हैं, तो क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 इंटू V। मैंने क्या किया, मैंने V1 की जगह भी V डाल दिया, V2 की जगह भी V डाल दिया, V3 की जगह भी V डाल दिया। अब तीनों टर्म में V आ रहा था तो मैंने V को कॉमन भी ले लिया, तो ऊपर क्या ये क्या हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी क्या इंटू V, यानी क्या लिखा एग्जैक्टली T1V प्लस T2V प्लस T3V। इसी को तो ऐसा लिख सकते हैं ना, V कॉमन लेने के बाद T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 तो था ही पहले से ना, कैंसिल आउट कर दिया हमने। और कुछ यूज करा, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, इसके अलावा और कुछ यूज करा नहीं हम, ये तो हमेशा लिख सकते हैं फॉर्मूला D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 विल बी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। अब डी इक्वल टू वी इंटू टी, ये भी हम ऐसा लिख सकते हैं, तो D1 इक्वल टू V1 T1, D2 इक्वल टू V2 T2, D3 इक्वल टू V3 T3, ये भी लिख सकते हैं। अब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 था, ये एक्स्ट्रा कंडीशन दी थी, ये यूज़ किया हमने, V को कॉमन लिया, T1 प्लस T2 प्लस T3 ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो गया, V हो गई एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो अब आपको ये तीनों केसेस में ध्यान रखना है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तीन लिया हमने, तो 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 ऐसे लिख देंगे डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है केस में। अगर टाइम कॉन्स्टेंट है तो V1 प्लस V2 प्लस V3/3 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो सिंपली V हो जाएगा, है ना। डी कॉन्स्टेंट यानी कि डी फिक्स्ड है, इसमें आपका टी फिक्स्ड है, इसमें आपका वी इज फिक्स्ड, है ना, वेलोसिटी फिक्स्ड है। तो ये फॉर्मूले आपको मतलब मोर और लेस याद होने चाहिए, या तो आपने समझ लिए हों जैसे कि आप निकाल लेंगे, या तो हमने इतनी दो तीन बार तो देख लिया तो आपको अब तक याद हो गए होंगे। अब अगर पाँच है, पाँच लोग हैं तो ठीक है, पाँच कर देंगे यहाँ पे, है ना, 3 की जगह 5 कर देंगे, यहाँ 1/V4 प्लस 1/V5 भी कर देंगे, राइट। सिंपली यहाँ भी कर सकते हैं कि यहाँ 5 कर देंगे, V4 प्लस V5 और 3 की जगह 5 कर देंगे, राइट। यहाँ तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, यहाँ तो V आ रहा है हमेशा। तो अपनी एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि हम n के लिए भी लिख सकते हैं, n के लिए भी लिख सकते हैं 1/V1 प्लस 1/V2 अप टू 1/VN, अरे n को कुछ भी डालो, ये कौन से केस में एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, जब अपना d कॉन्स्टेंट है, d इज कॉन्स्टेंट। देन अगर v कॉन्स्टेंट वाला केस है तो V1 प्लस V2 अप टू VN बाई N, है ना, इसमें t कॉन्स्टेंट है, देन V, इसमें तो V ही कॉन्स्टेंट है ना t। तो अब आपको ये फॉर्मूले, है ना, अब तक बाय हार्ट हो गए होंगे और समझ भी आ गया होगा आई होप। देन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये जानना ही बड़ा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई है ए, वो जा रहा है V1 वेलोसिटी से, देन एक दूसरा बंदा है, या ठीक है ये ए एक व्हीकल है वो V1 वेलोसिटी से जा रहा है, बी एक व्हीकल है वो V2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो हम ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम का है, ये आपका ट्रेन्स वगैरह वाली प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, या इन जनरल कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दे दी गई, मतलब बहुत इसके भी काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे भी, आपका या क्लॉक वगैरह में भी हेल्प कर देगा, मतलब ये काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला, सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोल रहा है, तो पहले क्या आया वेलोसिटी ऑफ बी, तो पहले यहाँ लिख दो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस, माइनस किसकी वेलोसिटी, जिसके रिस्पेक्ट में है, तो किसके रिस्पेक्ट में है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो विद रिस्पेक्ट टू ए कर दो, तो इस केस में क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है V2, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है V1, तो ये V2 माइनस V1 हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब, राइट। अगर मान लो
बी जो है वो 25 किलोमीटर पर आर जा रहा है, ए जो है 20 किलोमीटर पर आर जा रहा है, बी जो है 25 किलोमीटर पर आर जा रहा है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी रिलेटिव वी टू माइनस वी वन दैट इज 25 माइनस 20 दैट इज 5 किलोमीटर पर आर, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का ये मतलब होता है जैसे हमें एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की निकालनी है, मतलब हम अगर एक को ऐसा इमेजिन करें कि वो रुका हुआ है तो दूसरा वाला उसके रिस्पेक्ट में कितना तेज़ी से आगे जा रहा है ना, बेसिकली मतलब यही होता है। जैसे मान लो यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, 1 घंटे बाद ए कितना चलेगा 20 किलोमीटर, बी कितना चलेगा 25 किलोमीटर, तो इनमें डिफरेंस कितना आया, 25 माइनस 20 यानी कि 5 किलोमीटर, है ना, 1 घंटे और 5 किलोमीटर का डिफरेंस आया इनमें, है ना। एग्जाम्पल क्या है अपना, वी वन और वी टू, है ना, ये ए की वेलोसिटी है और ये है बी की वेलोसिटी, वी टू वी वन, वी वन अपना 20 किलोमीटर है पर आर है, के एम पी एच भी बोलते हैं किलोमीटर पर आर, वी टू अपना 25 KMPH है किलोमीटर पर आर, राइट। तो आफ्टर 1 आर अगर हम देखते हैं तो वी वन ए की कंडीशन कितनी होगी, 20 किलोमीटर, जहाँ से भी इन्होंने कॉमन पॉइंट से अगर स्टार्ट करा है तो ए जो है 20 किलोमीटर दूर होगा, बी जो है 25 किलोमीटर दूर होगा, तो इनमें डिफरेंस कितना हुआ, 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स का, राइट। ये केस 1 हो गया मान लेते हैं, अभी ऐसे लेते हैं कि 2 आर के बाद क्या होगा, एक डिस्टेंस कितनी होगी, 1 आर में 20 किलोमीटर, तो 2 आर में कितना, 40, या वैसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 20 इस टाइम है 2, 40 किलोमीटर। सिमिलरली बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड है 25 टाइम है 2, तो 50 किलोमीटर, डिफरेंस 50 माइनस 40 दैट इज 10 किलोमीटर, है ना, ये आ गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि भाई अपना ए तो रुका हुआ है ना, ए जो है वो रुका हुआ है और बी जो है वो चल रहा है कितनी वेलोसिटी से, वी वन माइनस वी टू से, है ना, ए इज स्टेशनरी, तो वी वन माइनस वी टू है कितना, 25 माइनस 20 दैट इज 5 KM/h, तो बी जो है वी वन माइनस वी टू वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब सॉरी वी टू माइनस वी वन कर देंगे इसको, बी जो है वी टू माइनस वी वन वेलोसिटी से चल रहा है या वी टू माइनस वी वन स्पीड से चल रहा है और ए जो है स्टेशनरी है, तो 1 आर के बाद वाले केस में क्या होगा, ए कहाँ पे रहेगा भाई, ए तो 0 ही रहेगा, ए तो मूव ही नहीं कर रहा है इस केस में, बी कितनी दूर रहेगा, 5 किलोमीटर इंटू 1 आर दैट इज 5 किलोमीटर, नहीं 5 किलोमीटर/h इंटू 1 आर दैट इज 5 किलोमीटर। अगर हम देखें तो 2 आर वाले केस में फिर से ए 0 है, ए क्यों 0 है, क्योंकि भाई ए की तो इस पे यहाँ पे कुछ स्पीड है ही नहीं, तो अगर मान लीजिए आपने चेयर पे बैठे हैं तो 2 घंटे बाद कहीं और पहुँच जाएंगे क्या, अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, है ना, उठ के गए तो बात अलग है, आप चेयर पे बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुँच जाएंगे, राइट, क्योंकि आप बैठे ही हुए वहाँ पे, तो क्योंकि आपकी वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है, तो इसलिए मतलब आपका मोशन नहीं हो रहा है इसीलिए स्पीड 0 आई है, राइट। तो ए 0 है, बी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर/h इंटू 2 दैट इज 10 किलोमीटर। तो आप ये देखिए कि इनके बीच में कितना डिफरेंस था, 1 आर के बाद 5 किलोमीटर, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 5 किलोमीटर, यहाँ पे 2 आर के बाद यानी कि जब दोनों चल रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी से निकाला था तो 2 आर के बाद डिफरेंस था 10 किलोमीटर, अगर यहाँ पे मतलब ए स्टेशनरी है और बी जो है वी टू माइनस वी वन यानी कि 5 किलोमीटर/h की स्पीड से मूव कर रहा है तो भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर आ रही है, तो मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि वी टू माइनस वी वन स्पीड से चलने का रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि हम अभी ये देख रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ए, जैसे हम कभी भी वेलोसिटी निकालते हैं तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होता है, मतलब वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटिव, है ना, ये सब कि फिजिक्स में आपको नहीं जाना है, वो फिजिक्स के लॉज नहीं लगाने, मतलब वेलोसिटी फिर भी आप ऐसा समझ ही सकते हैं कि वेलोसिटी हमेशा किसी न किसी चीज़ का रिलेटिव होती है, तो हम जो एक्चुअल वेलोसिटी लिखते हैं ना कि भाई ये तो एक्चुअल वेलोसिटी है यानी एक्चुअल स्पीड है 20 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर पर, तो वो किसके रेस्पेक्ट में होती है,
है ना, वो होती मतलब एक्चुअल में वो अर्थ के रेस्पेक्ट में होती है, आइडियली होना स्पेस के रेस्पेक्ट में चाहिए, बट क्योंकि अर्थ को हम मानते हैं कि भाई अर्थ की जो रोटेशन है वो नहीं हो रही है ना, हम ये अब आप ये तो आपको फील होगा ना कि भाई अर्थ रोटेट तो हो रही है, बट हम स्पीड मेजर करने में उसकी रोटेशन को थोड़े ना काउंट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि अर्थ रुकी हुई है, उसके बाद कितनी स्पीड से चल रहा है, हम रोड पे 1 किलोमीटर का मार्क हमने कितनी देर में कवर किया है वो उससे हम निकालते हैं कि हाँ इसकी स्पीड इतने किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमेशा हम मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट वेलोसिटी, एक्चुअली तो वो रिलेटिव वो भी हो गई, बट हाँ ठीक है चलो उसको बोलते हैं ऑफसेट वेलोसिटी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो ट्रेन्स हैं अलग अलग या दो कोई भी व्हीकल्स हैं, एक 20 km/h से चल रहा है, 25 km/h से चल रहा है, हमें क्या करना है, हमें इनका रिलेटिव निकालना है कि मतलब एक के रिस्पेक्ट में, यानी कि मान लेते हैं ए कोई मोशन नहीं कर रहा है तो बी कितना मोशन कर रहा है, या ऐसे कह लें कि मैं जो भी ऑब्जर्वर है जो इस मोशन को देख रहा है वो ए में जाके बैठ जाए अगर, तो वो क्या देखेगा कि बी कितनी स्पीड से जा रहा है। आप अगर मान लो आप रोड पे खड़े हो और कोई बाइक वाला बगल से निकल रहा है 80 km/h से, तो आपको क्या देखेगा, भाई वो 80 km/h से जा रहा है। बट अगर आप खुद बाइक पे हो और आप 70 km/h से जा रहे हो और आपके बगल से कोई 80 km/h बाइक से निकलेगा, तो बहुत दूर जाता नहीं दिखेगा ना आपको, मतलब बहुत तेज जाता नहीं दिखेगा, क्योंकि आप भी तो 70 km/h से आगे जा ही रहे हो ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं बात, आप भी 70 km/h से आगे जा ही रहे हो और आपके जो बगल वाला जिसने आपको ओवरटेक किया है वो 80 km/h से जा रहा है, तो आपको जो दिखेगा इफेक्टिव उसकी स्पीड, स्पीड इफेक्टिव मतलब क्या, उसके दूर जाने की जो रेट है किलोमीटर पर आर में, वो आपको 10 km/h ही दिखेगा, यानी जो डिफरेंस है वही दिखेगा। एक्चुअल में तो 80 km/h है, बट आपकी भी 70 km/h है, बट और आप उस 70 km/h वाली बाइक पे बैठे हुए हो, इसलिए आपको 80 km/h वाली बाइक का सिर्फ 10 km/h ही ऑब्जर्व होगा। आप ये देख ही सकते हो, आप जब रोड पे खड़े हो चुपचाप तो बाइक बहुत तेज आगे निकल जाती है, बट आप जब मूव कर रहे हो तो ऑलमोस्ट मूव करते हो। अच्छा मान लो आप भी एक दूसरी बाइक पे चल लो जिसका स्पीड है 80 km/h, तो आप देखो कि दो लोग साथ में बात करते हुए चलते हैं रोड पे, जो कि नहीं करना चाहिए, साइड बाय साइड चलते हैं, आधी रोड खुद ही कवर कर लेते हैं, है ना, फिर एक्सीडेंट होता है तो किसी और को ब्लेम करते हैं, राइट। तो ऐसे भी आपने देखा होगा कि बहुत बार होता है, तो बगल बगल में दो लोग चल रहे हैं, अब उनको आपस की स्पीड तो जीरो दिख रही है ना भाई, पहले जो बंदा वन है, जो पर्सन वन है, वो पर्सन टू से बिल्कुल आगे नहीं था, बराबर में था, 1 घंटे बाद भी उससे बिल्कुल आगे नहीं है, दोनों तो साथ साथ ही तो चल रहे हैं, राइट। दोनों जब साथ साथ, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन आपकी टेबल पे रखा है 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद भी आपकी टेबल पे रखा है, तो आपके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई, जीरो, क्योंकि फ़ोन आपके रेस्पेक्ट में तो वहीं रखा है ना। तो वहाँ पे जो दो बाइक पे जा रहे थे बगल बगल, वहाँ भी सेम केस है, क्योंकि दोनों 80 km/h की स्पीड से जा रहे हैं, तो उनको आपस की स्पीड जीरो दिखेगी, और अगर एक 70 km/h से जा रहा है तो उसको दूसरे वाले की स्पीड दिखेगी 10 km/h, और पहले वाले को, यानी पहले वाला जो फास्ट जा रहा है 80 km/h, उसको दूसरे वाले की दिखेगी -10 km/h, यानी पीछे को दिखेगी। अब आप देखो आप बहुत तेज आगे जा रहे हो बस से, तो आपको ये दिखता है ना कि भाई जो पेड़ वोड़ है वो पीछे जा रहे हैं, है ना, आपको दिखता है ना सराउंडिंग आपसे पीछे जा रही बहुत तेज, बट आपको पता ही है कि वो सराउंडिंग पीछे नहीं जा रही, आप बस आगे जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो, इस वजह से आपको दिख रहा है कि सराउंडिंग आपके रेस्पेक्ट में पीछे जा रही है, राइट, क्योंकि ऑब्जर्वर आप हो और आप बस में बैठे हुए हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, राइट। मान लीजिए कोई बाइसिकल वाला धीरे धीरे आ रहा है, आप कार से जा रहे हो बहुत तेज, आपने उसको ओवरटेक किया, फिर आप अगर बाहर निकल के देखते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वो बहुत पीछे जा रहा है बहुत तेज़ी से, बट वो भी एक्चुअल में आपको पता है वो भी तो आगे को ही तो आ रहा है, अगर ऑब्सोल्यूट देखें भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो भी आगे ही आ रहा है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में वो भी आ रहा है, बट क्योंकि वो आपसे काफ़ी स्लो चल रहा है तो आपको क्या दिखेगा कि वो पीछे को जा रहा है, आपसे उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, आपको कभी ये नहीं दिखेगा कि मैं चल रहा हूँ, क्योंकि आप तो अपने ही रेस्पेक्ट में देखोगे ना, आपको पता है कि चल रहे हो ठीक है, बट आप अपने आप को नहीं देख पाओगे कि आप कितनी स्पीड से खुद के रेस्पेक्ट में आगे जा रहे हो, क्योंकि खुद के रेस्पेक्ट में तो आप हमेशा ही जिसको मेजर कर रहे हो खुद की स्पीड और खुद ही के रेस्पेक्ट में, तो वो तो जीरो रहेगी, राइट। आई होप आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ गया होगा। बाकी जैसे देखते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में हमने देख ही लिया, कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, वी टू माइनस वी वन, है ना, ये किसकी होगी रिलेटिव स्पीड ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, है ना, कोई टू यानी जिसकी वी टू है विद रिस्पेक्ट टू वन यानी जिसकी वी वन है। अब अगर हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, आप ये एग्जांपल भी लेके देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं रोड पे बाइक से, सामने से कोई और बाइक वाला आ रहा है, तो अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं और सामने वाला बंदा 60 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो आप अगर उस बंदे को देखोगे जो 60 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, तो वो आपको बहुत ज़्यादा तेज से अपने पास आता दिखेगा, राइट। रिलेटिवली जैसे मान लीजिए आगे कोई शॉप है ना, वहाँ पे उस बंदे की बाइक है और आप यहाँ से जा रहे हो, तो आप शॉप की तरफ जितना बढ़ोगे उससे कहीं फास्ट आप उस बंदे की तरफ बढ़ोगे, मतलब सॉरी ये आप हो, है ना, ये दूसरा बंदा है, ये है शॉप, राइट। नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ, आप यहाँ आ गए, वो बंदा भी यहीं आ गया, शॉप वहीं है, तो आपने देखा कि थोड़े टाइम पहले वो शॉप ये और ये बंदा दूसरा वाला भी और ये आप, मतलब ठीक है, ये शॉप और ये बंदा सेम पोजीशन पे थे, राइट, आप इनकी तरफ अप्रोच कर रहे थे, बट ये जो बी है ये खुद मूव कर रहा है, तो ये भी आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट, तो आप इससे बहुत जल्दी मिल जाओगे एज कम्पेयर टू स्टेशनरी थिंग्स। स्टेशनरी कौन सी है, ये शॉप है ना, ये शॉप स्टेशनरी है, तो यहाँ पे आप देर में पहुँचोगे, बी से जल्दी मिल जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली ये हुआ कि दोनों की वेलोसिटी जुड़ गई, आप ऐसे समझो ना, इधर से आ रहा है 10 किलोमीटर पर आर से, इधर से आ रहा है 15 किलोमीटर पर आर से, तो कितने किलोमीटर पर आर नेट पास आ रहे हैं दोनों, ये 10 किलोमीटर पर आर से इधर को आ रहा है, ये नेट 10 किलोमीटर पर आर से उधर को जा रहा है, यानी ये राइट को जा रहा है 10 किलोमीटर पर आर से, ये लेफ्ट को आ रहा है 10 किलोमीटर पर आर से, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म करने का या इन दोनों के पास आने का रेट क्या है, 25 किलोमीटर पर आर होगा ना, यानी 10 प्लस 15 किलोमीटर पर आर, यानी कि 25 किलोमीटर पर आर, यही होगा ना, ये आपको फील आ रहा है कि नहीं, है ना, आई होप आपको ये समझ आ गया है, ये मतलब ये दिखाई, ये सब फेनोमेना आपको दिखते ही रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा समझने में इशू नहीं होगा, राइट। कोई भी दो ट्रेन्स अगर अपोजिट साइड आ रही हैं तो जल्दी पास पहुँचेंगे, अगर सेम साइड जा रही है तो बहुत देर में पहुँचेंगे, अगर एक ट्रेन रुकी हुई दूसरी जा रही है तो हाँ ठीक है, थोड़ा मीडियम टाइम में पहुँच जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वी टू प्लस वी वन, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। समझने का आप समझ गए होंगे, याद करने का है कि रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो वी टू माइनस वी वन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वी वन माइनस वी टू, है ना। ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, उसमें यही फॉर्मूला यूज होता है एग्जैक्टली। हाँ अभी देखिए जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो मोस्टली आपको 90% से ज़्यादा समझ आ गया होगा, 10% कुछ हो सकता है जहाँ आप ये सोच रहे हो कि यार ठीक है ये पढ़ा तो है बट इसको क्या अप्लाई करेंगे कैसे करेंगे, है ना। एप्लीकेशन पे अभी हम आए ही नहीं, अभी हम बस सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे आज के लेक्चर में थोड़ी देर में आ रहे हैं अभी, राइट। तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा क्वेश्चन में लगाते कैसे हैं, ठीक है। अब ट्रेन वाले क्वेश्चन में यही सब चाहिए होता है, बाकी तो ट्रेन की लेंथ वगैरह है वो सब हम एग्जैक्ट क्वेश्चन में जब देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो वो अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देने को होता है कि स्ट्रीम का देख लीजिए थोड़ा, है ना, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये पहले तो मतलब पता होना चाहिए, अलोंग द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम इसका जस्ट उल्टा, ऑपोजिट टू स्ट्रीम, मान लीजिए बोट है कोई, उसकी वेलोसिटी है v, स्ट्रीम बह रही है, स्ट्रीम मतलब जैसे आपको पता होगा रिवर का पानी है ना चलता रहता है इधर उधर, राइट, रिवर लंबी है तो उसका पानी चलता रहता है इधर उधर, तो उसकी स्ट्रीम की वेलोसिटी है v, सॉरी u, और बोट की वेलोसिटी है v, तो अगर डिस्टेंस L है मान लो दोनों रिवर के एंड के बीच में और इसको जाना है बोट को उस साइड,
तो टाइम टेकन क्या होगा, एल बाई वी, बट ये कब होगा, जब स्ट्रीम की कोई वेलोसिटी नहीं, यानी स्ट्रीम रुकी हुई है, बट यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि स्ट्रीम है उसकी मतलब स्ट्रीम चल रही है उसकी वेलोसिटी है यू, राइट। तो अगर डाउन स्ट्रीम जाते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब अलॉन्ग द स्ट्रीम, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब वी वेलोसिटी से बोट जो है स्टिल वाटर में चलता था, राइट, वी वेलोसिटी से बोट जो है स्टिल वाटर में चलता था। तो आप ये बताइए हमें वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, जो ग्राउंड है, स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में नहीं निकालनी। इसमें कोई वी माइनस यू करके मत आ जाना कि डाउन स्ट्रीम है, बोट भी उसी डायरेक्शन में है, स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में, तो निकाल देता हूँ। नहीं भाई, स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना निकालनी है, हमें ये डिस्टेंस कवर करनी है, ये ए एंड है, ये बी एंड है ना, ये एंड है, ये ए एंड बी एंड्स है रिवर के, और हमें ए टू बी जाना है, यानी रिवर को क्रॉस करना है, एल उनकी लेंथ है, उनके बीच का डिस्टेंस है। तो हमें ये पता करना है कि ये एल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए स्पीड निकालनी है, राइट। तो डाउन स्ट्रीम में कोई ये मत करके आ जाना, या आप स्ट्रीम में किसी में भी, कि हम स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में निकाला है, नहीं स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में नहीं निकाला है, हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आप बताइए कि वी वेलोसिटी से बोट तो चल ही रहा है, देन स्ट्रीम और चल रहा है उसी के अलॉन्ग, तो स्ट्रीम बोट को और तेज़ी से बहाएगा ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी रिवर पे खड़े हो, कुछ ऐसी चीज़ लीजिए बहुत हल्का सा, है ना, थर्माकोल वगैरह, और आप उसको रिवर में डाल दीजिए, तो वो क्या करता है, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है ना, तो वो क्यों करता है, क्योंकि स्ट्रीम उसको लेके जाती है। भाई थर्माकोल के अंदर तो ऐसा कोई एजेंट है नहीं जो उस पे को, है ना, ऐसे फोर्सेस लगा रहा है कि वो मूव कर पाए ना। बोट में तो आपको पता है कि हाँ मैनुअल बोट है, तो होता है बंदा करने वाला, है ना, मोटर बोट भी है या कुछ भी है, तो मतलब उसमें इंजन वगैरह सब कुछ लगा होता है जिससे कि वो चलती है, राइट, जिससे एनर्जी कंज्यूम करता है, उस एनर्जी कंज्यूम करके आगे बढ़ता है ना, मोशन करता है, राइट। बट यहाँ पे अगर थर्मोकोल वाले केस में देखेंगे तो कुछ तो था ही नहीं, बट फिर भी वो आगे जा रहा था, तो वो क्यों जा रहा था, क्योंकि उसको स्ट्रीम लेके जा रहे थे, स्ट्रीम भी तो बह रही है। तो यहाँ पे भी सेम केस है कि बोट की जो स्पीड है वी, उसकी वजह से तो आगे बढ़ेगा ही, स्ट्रीम की जो स्पीड है यू, उसकी वजह से भी आगे बढ़ेगा, तो ये वी प्लस यू हो जाएगा ना। डाउन स्ट्रीम में जो नेट स्पीड होगी वो वी प्लस यू हो जाएगी, है ना, ये होगी नेट स्पीड। और अप स्ट्रीम में अगर हम लिखें, अप स्ट्रीम में नेट स्पीड या रिजल्टेंट स्पीड इसको बोल सकते हैं ना, कि दोनों का जो रिजल्टेंट है, अप स्ट्रीम में क्या होगा, V की वजह से वो बोट आगे को बढ़ रही है, माइनस U, U की वजह से वो पीछे को जा रही है, क्यों, क्योंकि स्ट्रीम उसके ऑपोजिट बह रही है ना। अगर बोट इधर से आ रही है V, और स्ट्रीम ऐसे ऐसे इधर को U बह रही है, तो इसको अपोज करेगी ना, बेटा समझ पा रहे हैं, इसके लिए बोट के लिए मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम सामने से आ रही है ना, तो इसको मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, कितना कम होगी, V, सॉरी U से कम होगी, तो V माइनस U हो जाएगी। ऐसा केस होता कि भाई इधर ऐसे स्ट्रीम जा रही है U वेलोसिटी से, और बोट भी V से जा रही है, जब बोट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी कि स्टिल वाटर में, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, स्टिल वाटर में जब V की स्पीड से जा सकती थी, यानी जब पानी रुका हुआ है, स्ट्रीम जीरो है, तो स्ट्रीम की भी हेल्प मिली, तो ज़्यादा ही होगा, तो ज़्यादा ही होगा, तो कितना होगा, V प्लस U होगा, राइट। किस में प्लस करना है, किस में ज़्यादा करना है, ये आपको समझ आना चाहिए। बाकी U प्लस करना है, U को माइनस करना है, प्लस किस में करना है कि भाई जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, अब बोट वी से जा रही है, स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो स्ट्रीम कुछ ना कुछ हेल्प करेगी बोट को उस कोने तक जाने में, तो वी प्लस यू हो जाएगा। अगर उल्टा हो रहा है कि स्ट्रीम जो है बोट के अपोजिट है, है ना, बोट इधर को आ रही है, स्ट्रीम इधर को आ रही है, तो यानी कि ये टफ बनाएगा इसके बोट की जर्नी को, टफ बनाएगा मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। मतलब आप ये अब तक समझ गए होंगे, तो इसको ये याद कर लीजिए, ये डाउन स्ट्रीम वाले का वी प्लस, है ना, V प्लस यू और V माइनस यू, ये होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अलोंग, अलोंग द स्ट्रीम। ये होता है अप स्ट्रीम का V माइनस यू, ये क्या होता है, ऑपोजिट टू स्ट्रीम। ये नोट कर लीजिए एक मिनट में, राइट। देन अब हम क्वेश्चन से मूव करते हैं, बहुत कुछ देख लिया। हाँ, तो क्वेश्चन वन, इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए, ठीक है, तो हम ए यहाँ लेते हैं, बी को यहाँ लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी, 45 मीटर।
बी जो है ए से 45 मीटर अहेड स्टार्ट करता है, देन बट ए विंस द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड। ओके, मतलब बाद में ए स्टार्ट करता है, तो मान लेते हैं ये एंड पॉइंट है, ये लेंथ है एल, एल यहाँ पे दिया हुआ है 1 किलोमीटर, सॉरी 500 मीटर, है ना। तो ए जो है यहाँ पे पहले पहुँच जाता है ए डैस, और तब तक बी यहीं पे रह जाता है। बी डैस कितना हुआ, 35 मीटर। तो ए जो है यहाँ से स्टार्ट करता है एंड बी जो है 45 मीटर आगे से स्टार्ट करता है, बट बी फिर भी 35 मीटर कम चल पाता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितना होगा, 500 मीटर। ए ने पूरा यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ एंड तक गया, तो 500 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बी कितना होगा, टोटल है भाई 500, बी यहाँ से यहाँ तक चला है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब हुआ, 45 मीटर ये नहीं चला और 35 मीटर ये नहीं चला, राइट। जब ए पहुँच गया तो के मतलब वहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ए जिस मोमेंट पहुँचा, क्योंकि हमें एक्चुअली अभी स्पीड निकालना है। अभी आप बोल दो कि नहीं बी कभी तो पहुँच जाएगा, तो ए तो भाई पहुँच के रुक गया है ना, तो हमें जितने टाइम ड्यूरेशन में दोनों चल रहे थे उतने ड्यूरेशन, क्योंकि आगे क्या पूछा है, वॉट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए अज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे स्टार्ट किया है और एंड भी सेम टाइम पे करेंगे, राइट। अगर सेम टाइम पे एंड नहीं करेंगे तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ, या आप अगर इसको बी को ले भी लोगे आगे चल के, तो आपके लिए कैलकुलेशन मतलब सेम थोड़ा प्रिकॉशन लोगे तो आंसर सही आ जाएगा, बट आपके लिए कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको ये तो पता है कि भाई मान लो टी टाइम तक चला ए, बी जो है टी टाइम तक में कहाँ पहुँचा, 35 मीटर पीछे। सीधा डिस्टेंस कैलकुलेट करके रेशियो निकाल के बता सकते हैं, बट अगर आप इसको और लोगे कि नहीं आगे वाला 35 कितने में कवर किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है, मान लेते हैं L1, L1 इतने में कवर किया, 35 उतने में कवर किया होगा, तो यहाँ T1 टाइम लगा तो वहाँ T2, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। आंसर सही आ जाएगा बट वो अननेसेसरली कम से कम 3 टाइम्स ज़्यादा कैलकुलेशन होगा इसमें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम अभी क्या निकालेंगे कि जब तक ए ने 0 से 500 मीटर की डिस्टेंस कवर की, तब तक बी ने कितना कवर किया, तो बी ने 45 से स्टार्ट किया और 35 पहले रह गया, तो टोटल 500 था, और कितना नहीं कवर किया, 45 इधर का छोड़ दिया और 35 इधर का छोड़ दिया, राइट। 45 और 35 80, तो 420 हो गया। ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए टू बी अज्यूमिंग बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि डी इक्वल टू कितना होता है, टाइम इंटू स्पीड, राइट। तो हमारे को पता है स्पीड कितना होता है, डी अपॉन टाइम, राइट। टाइम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, टाइम इक्वल टू कांस्टेंट। वो सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और जब सेम टाइम पे एंड कर रहे हैं वहां तक ही कंसिडर कर रहे हैं, नहीं इसने बोला नहीं है कि सेम टाइम पे ही एंड कर रहे हैं, बट आप ऐसे समझो ना कि जब ए यहाँ पे पहुँच गया 500 मीटर पे, उसी टाइम तक तो हम देख रहे हैं ना, आगे थोड़ी नहीं देख रहे हैं। आगे क्यों नहीं देख रहे, अभी डिस्कस कर रहा कि निकाल सकते हैं और बहुत बेकार की कैलकुलेशन होगी, कॉम्प्लेक्स, राइट। तो सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे, सेम टाइम पे एंड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम सेम है, तो यानी कि टाइम कॉन्स्टेंट है, टाइम इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, राइट। टाइम इज कॉन्स्टेंट इन दिस, फॉर दिस जर्नी। तो आवर टाइम कॉन्स्टेंट हो गया, तो हमारा क्या हो गया, इधर से रिलेशन जो हमने निकाला था, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डी, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डी, यानी कि वी इज प्रोपोर्शनल टू डी, तो वी वन बाई वी टू कितना होगा, डी वन बाई डी टू, यही निकाला था ना हमने। हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे कि वी इज प्रोपोर्शनल टू डी है, ये डायरेक्टली यहीं से वी वन बाई वी टू को डी वन बाई डी टू, आप भी यहीं से करो, बट ये मैंने समझाने के लिए पूरा बता दिया कि कैसे कैसे ड्राइव किया था, ताकि आपको मतलब 2-3 बार ऐसे देख लो तो एटलीस्ट माइंड में थोड़ी पिक्चर बन जाए कि हाँ ये होता है, तो आप एग्जाम में डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, स्पीड का रेशियो बताना था, किसके स्पीड का, ए टू बी, ये आपको ध्यान रखना है, ए टू बी बताना था। तो हम अगर ए को मानते हैं 1 और बी को मानते हैं 2, तो यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 1 टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 लिखा है, यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बी, मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू बी लिखा है, राइट। तो हमें एग्जैक्टली यही पूछा है, तो बस हम डिस्टेंस पुट कर दें, डी वन बाई डी टू। अब डी वन क्या है, डी वन है जो ए ने कवर किया, ए ने कितना कवर किया, 500, तो पुट करो
वन बाई वी टू, डी वन की डिस्टेंस है कवर्ड 500, डी टू की कितनी है 420, 420 और 500 बाई 420 निकालिए कितना आता है रेशियो 25 बाई 21 आ जाएगा ना, ये दिया होगा ऑप्शन में कहीं ए, तो ए इज़ द राइट आंसर। मतलब इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगानी थी और सीधा आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिटीज़ ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है दो सिटीज़ है ए एंड बी 360 किलोमीटर अपार्ट है, बनाते हैं इनको, ठीक है। ए कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर, ठीक है यहाँ से एक कार जाती है यानी इसको बोलते हैं सी वन 40 किलोमीटर पर आर, एंड रिटर्न्स टू ए विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आर, रिटर्न में कितना आती है सी वन ही आ रही है 60 किलोमीटर पर आर। अब ये मत सोचना कि भाई सेम टाइम पे एक कार दो जगह कैसे हो सकती है, ये पहले जाएगी फिर आएगी, राइट। तो ये पूरा जर्नी मैंने बनाया है ये। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, अब आप देखिए कौन सा वाला केस है, हमने तीन केस डिस्कस करे थे कि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, टाइम कॉन्स्टेंट है, स्पीड कॉन्स्टेंट है। तो बताइए यहाँ पे स्पीड कॉन्स्टेंट है क्या, वी कॉन्स्टेंट है क्या, नहीं, क्योंकि जा रही है 40 किलोमीटर से और आ रही है 60 किलोमीटर पर आर से, मतलब जा रही है 40 किलोमीटर पर आर से आ रही है 60 किलोमीटर पर आर से, कॉन्स्टेंट नहीं है। अच्छा डी कॉन्स्टेंट है क्या, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, ए टू बी के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस तो बी टू ए के बीच में भी होगा ना भाई, सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। अब दिल्ली टू जयपुर जितने भी किलोमीटर्स है एल किलोमीटर, तो जयपुर टू दिल्ली भी तो उतने ही किलोमीटर होगा, राइट। मतलब दिल्ली टू गोवा जाने किसी को, तो दिल्ली टू गोवा जितने किलोमीटर्स है उतने ही किलोमीटर गोवा टू दिल्ली है ना, दे आर द सेम थिंग, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगी इधर से उधर जाने में, तो यानी कि डी अपना कॉन्स्टेंट है। अब डी कॉन्स्टेंट में हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, वो क्या होता है, वो होता है टू अपॉन वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, यही होता था ना डी कॉन्स्टेंट वाले में, यही फॉर्मूला आता है ना टू अपॉन वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, याद होगा ना, ठीक है चलो कर ही लेते हैं। डी कॉन्स्टेंट है तो कैसे लिखते थे हम, डी वन दो है तो दो का ही लिखते हैं, फिर डी वन प्लस डी टू बाई टी वन प्लस टी टू, राइट। अब डी वन अपना कितना है वी वन, नहीं डी वन को रहने दीजिए क्योंकि हमें डी तो पता ही है 360 किलोमीटर, तो डी नहीं हटाते टी को हटाते हैं क्योंकि टाइम नहीं पता है अपने को, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं टाइम को, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो डी वन बाई वी वन प्लस डी टू बाई वी टू। अब डी वन इक्वल्स टू डी टू है तो डी प्लस डी अपॉन डी बाई वी वन प्लस डी बाई वी टू, टू डी अपॉन डी वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, डी डी कैंसिल हो जाएगा टू अपॉन वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, राइट वही लिखा था मैंने यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, वी वन वी टू कॉमन लो देन वी वन प्लस वी टू आ जाएगा देन उसको ऊपर भेज दो, तो टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू। यहाँ से ये स्टेप कैसे आया, अगर किसी को नहीं, वैसे तो सबको समझ आ ही गया होगा अब तक इतना कर चुके, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो पर कमेंट कर देना बता देंगे, ठीक है फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, बाकी इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, है ना। हमें क्या करना है वी वन वी टू का एलसीएम लेना है, तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा वी वन वी टू, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर में वी वन प्लस वी टू, तो वी वन वी टू क्योंकि दो बार डिवाइड बाई हो गया तो यानी को ऊपर चला जाएगा, ये कैसे क्या होगा वो ऊपर चला जाएगा क्या होगा वो हमने अभी तीन चार बार केसेस में कर लिया अलग अलग, है ना ऊपर भेज देते हैं। अगर दो बार कोई चीज़ डिवाइड हो रही है थ्री अपॉन फोर बाई टू हो रहा है यानी कि टू को ऊपर भेज सकते हैं थ्री इंटू टू बाई फोर, है ना वही यूज़ करा इसमें, तो टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू है सिंपली, तो हम लिखते हैं टू वी वन फोर्टी वी टू सिक्सटी बाई वी वन प्लस वी टू, सिक्सटी प्लस फोर्टी कितना हुआ हंड्रेड, कट कर देते हैं इनको कितना आया 8 इंटू सिक्स 48 किलोमीटर पर आर, राइट 48 किलोमीटर पर आर आंसर आ गया। तो मैंने बोला था कि भाई वो वाला फॉर्मूला याद कर लेना 2 बाई वी वन वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, या मतलब 3 वाला याद रखो डायरेक्टली कि 2 के लिए ऐसा लिखेंगे 3 के लिए, n के लिए मैंने लिखा दिया पूरा, है ना n के लिए लिखा दिया ना मैंने, जैसे ये 3 के लिए लिखा दिया था n के लिए भी लिखा दिया था,
तो आप चाहो जितने का मतलब थ्री का टू का मतलब थ्री से ज़्यादा वैसे मुश्किल है पूछें, बट हाँ मतलब ठीक है, आपको टू का याद रखो कि टू बाई वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, थ्री का याद रखो थ्री बाई वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू प्लस वन बाई वी थ्री। तो फोर का तो अपने आप पता चल गया ना, फोर होगा तो क्या होगा, फोर बाई वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू प्लस वन बाई वी थ्री प्लस वन बाई वी फोर। या एन होगा तो क्या होगा, एन बाई वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू अप टू वन बाई वी एन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी ये समझ आ गया ना क्वेश्चन, इसमें कुछ डाउट तो है नहीं। 40 किलोमीटर पर आर 48 किलोमीटर पर आर आंसर आ गया था। कैसे आया था, टू वी वन वी टू बाई वन प्लस वी टू, टू इंटू वी वन, वी वन था 40, वी टू था 60, वी वन प्लस वी टू हो गया था 100, कैंसिल आउट हो गया 48 किलोमीटर पर आर। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए एंड बी वॉक अराउंड द सर्कुलर पार्क, दे स्टार्ट एट 8 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ए एंड बी वॉक एट ए स्पीड ऑफ 2 राउंड्स पर आवर एंड 3 राउंड्स पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8 AM एंड बिफोर 9:30 AM। ये क्या कर रहे हैं, ए और बी, ए मान लीजिए इधर को मूव कर रहा है और बी भी यहाँ पे है, बी इधर को मूव कर रहा है, इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया 8 AM पे, तो और कब तक के लिए पूछ रहा है, 8 AM पे स्टार्ट किया और 9:30 AM के लिए पूछा, मतलब टाइम कितना है अपने पास, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स अपने पास हैं। राइट, तो अब ये बताइए दोनों ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिखूं इनकी तो क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू है ना, वी वन प्लस वी टू हो जाएगा, और इनकी वी वन वी टू है कितनी, 2 राउंड्स पर आवर, 3 राउंड पर आवर, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5 राउंड्स पर आवर है ना। अब ये बोलोगे आप राउंड्स पर आवर, भैया कौन सी यूनिट नहीं आ गई है ना, कुछ नहीं, मान लीजिए एक राउंड की लेंथ कितना है, एक राउंड की लेंथ मतलब क्या, इसका सर्कमफ्रेंस कितना है एल, एल को कितना मान लेते हैं, मान लीजिए आप है 10 किलोमीटर। राइट, तो 2 राउंड पर आवर का मतलब क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर, 3 राउंड पर आवर का मतलब क्या हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। राइट, वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मानने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है ना कि क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, हमें तो राउंड्स, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा है या ये पूछ भी नहीं सकता कि भाई इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, मतलब डिस्टेंस के एग्जैक्ट किलोमीटर के टर्म में, क्यों, क्योंकि इसने डिस्टेंस दिया ही नहीं है, डिस्टेंस अगर होगा भी तो मानना पड़ेगा, तो उसको जो मानना पड़ेगा वो उसको नहीं पूछ सकता है। राइट, तो इसने आंसर में भी वही पूछा है कि भाई कितने में चक्कर लगेंगे, हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर, जब वो मूव कर रहे होंगे तो कितने बस बार वो क्रॉस करेंगे, बस इतना बताना है ना। तो यहाँ पे यूनिट को राउंड्स पर आर में रखना इजी है, क्योंकि आप इजी क्यों है, ऐसे सोचिए अगर वो लोग एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो मतलब एक बार क्रॉस किए, मतलब जैसे अभी स्टार्टिंग की पोजीशन यहाँ, ए यहाँ है, बी यहाँ है, थोड़ी देर बाद मान लीजिए ये बी इधर को जा रहा था, ए इधर को जा रहा था, देन ए इधर आया, बी इधर आया। राइट, अब ये बताइए इनको, इन्होंने टोटल कितने डिस्टेंस कवर की, टोटल ए बी का अलग अलग नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल कितना कवर किया, 1 राउंड। आप समझिए ना, ए ने कुछ ये कवर किया, मान लीजिए है ये है एक्स, तो बी ने कितना कवर किया, एल माइनस एक्स, टोटल कितना करना था इनको, एल, एल लेंथ थी मान लीजिए उसकी है ना, अभी जो पीछे लिया था वही बोल रहा हूँ, तो इन्होंने टोटल मिलके 1 राउंड कवर किया है, कब, एक बार क्रॉस किया है तब। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट जब बताया था तो क्या कहा था कि मान लीजिए कि एक रुका हुआ है, दूसरा वाला घूम रहा है, तो अगर ऐसा होता कि भाई ए रुका होता और बी घूम रहा होता, तो 1 राउंड पूरा करने का मतलब क्या है कि एक बार क्रॉस कर लिया, अगर बी ने यहाँ से स्टार्ट किया, ए यहाँ पे रुका हुआ है, 1 राउंड पूरा हुआ का मतलब क्या कि ए जहाँ पे था बी ने वहाँ से स्टार्ट करा, पूरा घूमते हुए आया, पहली बार क्रॉस किया, जैसे ही पहली बार ए को क्रॉस किया 1 राउंड पूरा हो गया, फिर गया घूमते 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 आया, फिर दूसरी बार क्रॉस किया, दूसरी बार क्रॉस किया मतलब 2 राउंड पूरे हो गए, तीसरी बार ऐसे क्रॉस किया, तीसरी बार क्रॉस किया मतलब 3 राउंड पूरे हो गए। तो आप बस रिलेटिव में भी वही देखिए कि रिलेटिव वेलोसिटी इनकी कुछ भी है ना, जो कि आ रही है अपना के वी वन प्लस वी टू, यानी 5 राउंड पर आर रिलेटिवली, तो जितने राउंड्स ये लगाएंगे उतनी बार ही खुद को एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। राइट, ये बस समझने वाली बात है कि जितने ये राउंड लगाएंगे रिलेटिव में, एक्चुअल में कितने राउंड ए लगाता है और उसमें से कितने राउंड बी लगाता है, दैट इज इमटेरियल, उनका फर्क नहीं पड़ता, ये टोटल कितने राउंड लगाएंगे हमें ये देखना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं
है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही होता है ना, कि एक को इमेजिन करते हैं रुक गया, दूसरा वाला चल रहा होता है, तो एक रुक गया दूसरा चल रहा होता है, तो राउंड कब पूरा होगा, मतलब चक क्रॉस कब करेंगे, जब एक राउंड कंप्लीट होगा, ये देखिए। तो सिमिलरली यहाँ भी है, यहाँ पे कभी पॉइंट इधर आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जहाँ भी आएगा वहाँ पे दोनों मिला के एक राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे, मतलब एक राउंड कंप्लीट करके मिलेंगे, देन दोनों मिला के एक राउंड और कंप्लीट करेंगे फिर क्रॉस करेंगे, देन दोनों मिला के एक राउंड और कंप्लीट करेंगे फिर क्रॉस करेंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वी अपना कितना है, 5 राउंड पर आर, है ना, ये अपना क्या रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं तो ये याद रखिएगा, है ना, वी रिलेटिव है, तो हम रिलेटिव हमें डिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी। तो अभी रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, यह रिलेटिव डिस्टेंस अभी मतलब रिलेटिव डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट करने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, 1 राउंड ही है। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, इन लोग को दोनों को मिला के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना चलना पड़ेगा, या क्योंकि ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं, तो आप इन वेलोसिटी ऐड हो रही है, आप या तो ऐसे बोलो दोनों मिला के कितना चल रहे हैं, आप ऐसे बोल लो, या ऐसे बोल लो कि ए के रेस्पेक्ट में बी कितना चल रहा है, बी के रेस्पेक्ट में ए कितना चल रहा है, तीनों का मतलब सेम है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑपोजिट चल रहे हैं, राइट। तो ऑपोजिट चल रहे हैं, दोनों मिला के जितना चलेंगे ये बोल लो, या ऐसे बोल लो कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना चल रहे हैं। भाई स्ट्रेट लाइन में जब हमने देखा था तो बाइक सामने से आ रही थी, तो आप 40 से जा रहे थे, सामने वाला 60 से आ रहा था, तो या तो ये बोल लो कि भाई 40 वाला और 60 वाला मिला के कितना चल रहे हैं, कि ये 40 किलोमीटर चले गए कार में, 60 किलोमीटर, तो दोनों मिला के 100 किलोमीटर क्लोज आएंगे एक दूसरे से, राइट। या ऐसे ले लो कि भाई एक को रोक दिया V1 को और V2 को चला दिया पूरा, तो V2 को 100 दे दिया, या V2 को रोक के V1 को चला दिया, V1 को 100 दे दिया, राइट। तो तीनों सेम चीज़ हैं। ओके, सो इनका रिलेटिव कितना है, 1 राउंड। तो टोटल टाइम एक में कितना लगेगा, 1/5, राइट। एक राउंड लगाने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 1/5 आवर। तो 1/5 आवर में अगर एक राउंड लग रहा है, तो ऐसे लीजिए कि 1.5 आवर में कितना राउंड लगेगा, तो 1/5 × 5 राउंड, है ना। या अभी इस वाले में रिलेटिव वाले से आपको उतना अच्छे फील नहीं आ रही होगी, राइट। तो आपको इस, या तो मतलब अब तक ये समझ आ गया तो ठीक है, दिख ही गया होगा, पर अगर नहीं भी आ रहा तो उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि भाई 5 राउंड्स हैं, मतलब 5 राउंड्स एक आर में लगा रहा है, तो 1.5 घंटे में कितना लगाएगा, 5 × 1.5, दैट इज 7.5 राउंड्स, है ना। ये तो आपको समझ आ गया होगा डायरेक्टली कि 5 राउंड्स पर आर लगा रहा है, और इसने ड्यूरेशन लिया था कितना, 8 to 9:30, 8 AM to 9:30 कितना होता है, 1.5 आवर्स। तो 1 घंटे में 5 राउंड्स लगा रहा था, तो 1.5 घंटे में 1.5 × 5 यानी कि 7.5 राउंड्स लगाएगा, तो ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा था, तो मैंने इसीलिए कहा कि मतलब इस मेथड से जाने से उतना कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल ज़्यादा हो रहा है और मतलब फर्जी का खींच रहा है, इस मेथड से आप डायरेक्टली लगा सकते हो। बाकी क्योंकि ये वाला मेथड में क्या है कि आपको बाकी जगह भी काम आएगा, इसलिए मैंने बता दिया कि जब रिलेटिव, ये वाले मेथड की बात कर रहा हूँ, कि जब भी रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो डिस्टेंस भी रिलेटिव वाली लेते हैं। तो हमने फिर टाइम निकाला एक का, कि भाई एक में कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम इतना था, तो हमने बस उसको वही डिवाइड कर दिया, 1.5 डिवाइडेड बाई 1/5। तो 1/5 दो बार, मतलब 1.5 डिवाइड बाई 1/5, तो आप देखिए कि जो 5 था वो नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, तो वो नीचे से ऊपर मैंने डायरेक्टली लिख दिया, है ना। ये किया था मैंने, जिसको समझ में आया, 1.5 डिवाइड बाई 1/5 इक्वल टू 1.5:5, है ना। ये इसकी बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ से आया, तो ये ऐसे आया था। बाकी आपको इसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ये पता चल गया 5 राउंड्स पर आर लगा रहा है, उसके बाद आप सीधे इधर आ जाओ, 1 घंटे में 5 राउंड है, तो 1.5 घंटे में कितना हुआ, 7.5 राउंड्स, है ना। 5 राउंड्स पर आर, तो 5 × 1.5 राउंड्स इन 1.5 आर, यानी 7.5 राउंड्स हो गया। अभी आप देखिए 7.5 राउंड्स है का मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो 7 राउंड तो पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और 8वें राउंड में आधा कर रहे हैं, है ना, आधा कर चुके हैं, आधा बाकी है। तो उन्होंने क्रॉस कितनी बार करा होगा, एक राउंड कंप्लीट किया तो एक बार क्रॉस किया,
दो राउंड कंप्लीट किया, दो बार क्रॉस किया, ऐसे करते करते उन्होंने 7 राउंड कंप्लीट किए तो 7 बार क्रॉस किया। आप ये बताइए कि 8वीं बार क्रॉस किया होगा? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि 8वां राउंड पूरा नहीं हुआ। मान लीजिए 7.9 राउंड्स भी कोई बोल रहा है कि भाई 7.9 राउंड्स हैं, तब भी आप बोलोगे ना कि 7 बार ही क्रॉस किया है। अगर वो राउंड पूछता तो हम बोलते भाई 7.5 राउंड है, 7.9 राउंड है, मान लीजिए 7.7 राउंड आता है, 7.8 राउंड आता है, कुछ भी आता है ना, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर वो राउंड पूछता तो हम एग्जैक्ट बताते हैं कि हाँ इतने राउंड कंप्लीट किए हैं। बट वो पूछ रहा है कितनी बार क्रॉस किया है, तो कितनी बार क्रॉस किया है मतलब जितने राउंड उसने लगाए होंगे, कंप्लीट राउंड। कंप्लीट राउंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, कंप्लीट राउंड। तो अगर एक राउंड कंप्लीट किया है तो एक बार क्रॉस किया, दो राउंड कंप्लीट किया तो दो बार क्रॉस किया, ऐसे करते करते 5 राउंड कंप्लीट किया तो 5 बार क्रॉस किया, 7 राउंड कंप्लीट किया 7 बार क्रॉस किया, 8वां राउंड कंप्लीट नहीं किया है, इस बार 8वीं बार क्रॉस नहीं किया है, टोटल कितनी बार क्रॉस किया? 7 बार। तो बस वही लिख देते हैं, 7 ना, 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। ए डेली ट्रेन इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 2 स्टेशंस ए एंड बी स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एट 6 AM एंड द जर्नी इज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड इन 42 आवर्स, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन नीडेड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ओके मेंटेन द शटल सर्विस। ओके, तो क्या है ए और बी, यहाँ से हमें एक एक मतलब कुछ कुछ ट्रेन चलानी है, तो ये बोल रहा है कि भाई 6 बजे ही चलेगा ना, 6 AM ही चलेगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, और इसको चलने में कितना टाइम लगता है? 42 आवर्स, राइट? 42 आवर्स लगता है इसको चलने में। तो और हमें शटल सर्विस मतलब ये है कि जैसे हमें 6 बजे चलाना है तो चलाना ही है, राइट? तो मान लीजिए हमने 6 बजे यहाँ से चला दिया और 6 बजे यहाँ से भी चला दिया, दो ट्रेन का केस लेते हैं, या चलिए आप एक ट्रेन का केस लीजिए कि सिर्फ 6 बजे, हाँ ठीक है, ए टू बी लेते हैं 6 AM है ना, ट्रेन वन, इसको T1 लेते हैं, इसको 6 बजे यहाँ चलाया, 42 आवर्स लगते हैं, तो ये कब पहुँचेगी वहाँ पे? अगर ये 24 आवर्स में पहुँच जाती तो यहाँ से इसको वापस चला देते हैं, बट ये 24 आवर्स में नहीं पहुँच रही है ना, आप समझ नहीं रहे। जैसे इसको 6 AM पे चलाना ही है और दोनों जगह से चलाना ही है, राइट? तो 6 AM से एक यहाँ और 6 AM से एक यहाँ चलना चाहिए। मान लीजिए मंडे है ना, मंडे को लेते हैं, D1 से चलते हैं, मंडे को 6 AM पे चली, तो ये यहाँ पे कब पहुँचेगी? 24 तो इधर चले गए, तो यानी कि ट्यूसडे का 6 AM तो हो ही जाएगा, प्लस कुछ और भी टाइम निकल जाएगा, कुछ और भी जो टाइम निकलेगा वो कितने आवर्स का है? 24 था तो 6 इधर और आपको उधर 16 उधर, मतलब नहीं, 12 उधर और 6 इधर, 18 आवर्स निकला, राइट? 48 आवर्स टोटल होते हैं 2 दिन में, बट ये 42 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो 2 दिन से जस्ट पहले कंप्लीट किया। तो आप ये बताइए अब वापस कब आएगा ये? ये मंडे को चला था यहाँ से, ये वापस कब आया यहाँ से? ट्यूसडे को 6 AM। 6 AM क्यों? पहुंच तो पहले गया था, 6 AM क्यों वापस आ रहा है? क्योंकि ट्रेन 6 AM ही छूटेंगे। तो ये वाला बी वाला यहाँ पे कब पहुंचा? T2 जो हमने लिया था, पहुंचा कभी भी एक दिन के बाद पहुंचा। अगर एक दिन के पहले पहुंच जाता तो ट्यूसडे को, सॉरी ये वेंसडे 6 AM निकलेगा, वेनेसडे 6 AM, 6:00 AM, राइट? ट्यूसडे 6 AM तक तो कहीं रास्ते में ही होगा, 12-24 घंटे में तो पहुंच ही नहीं रहा, 42 घंटे में पहुंच रहा है यहाँ पे, राइट? तो वेंसडे 6 AM, यहाँ से जो ट्रेन T2 है वो कितने बजे जाएगी? वेनेसडे 6 AM। तो आप ये बताइए, मंडे को चली है ना, मंडे को दोनों साइड से चला दिया हमने, वेनेसडे का हमारा जुगाड़ होगा दोनों साइड से, ट्यूसडे का क्या करेंगे? ट्यूसडे का क्या करेंगे? ट्यूसडे का तो हमारे पास है नहीं जुगाड़ अभी तक, और थर्सडे का भी मतलब ऑड डेज का तो है नहीं। ये वेंसडे वाली दोबारा कब यहाँ से निकल पाएगी? पहुँचेगी थोड़ा जल्दी 2 दिन से, बट निकलेगी कब? फ्राइडे को 6 AM में। ये वाली कब निकलेगी? फ्राइडे को 6 AM में स्टेशन ए से। तो आप ये देखिए, ये दोनों ट्रेन्स को अगर हम ले रहे हैं तो मंडे वेंसडे फ्राइडे पूरे कवर हो जा रहे हैं, दोनों एंड से 6 AM पे निकलने के लिए ट्रेन है अपने पास, बट अभी
ऑड डेज छूट रहे हैं तो इवन डेज पे दो ट्रेन, तो ऑड डेज के दो ट्रेन और ले आते हैं ना, ए बी टी वन टी टू था, तो भाई ये कब निकल पाए, 6 AM मंडे वेंसडे फ्राइडे, ऐसे तो चल पा रही है, ये कब आ रही है, मंडे वेंसडे फ्राइडे ऐसे। ठीक, तो नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको एक ट्यूसडे के लिए ट्रेन निकालते हैं यहाँ से T3 करके, यहाँ से T4 एक ट्यूसडे को ट्रेन निकाल देते हैं, तो हमारा ट्यूसडे कवर कर लिया। अब T3 यहाँ कब पहुँचेगी, ट्यूसडे को चली है तो वेंसडे को 6 AM 24 आवर्स होगा, तो उसके बाद पहुँचेगी, तो उसके बाद पहुँचेगी और 48 आवर्स से कम में पहुँचती है, तो यानी थर्सडे 6 AM से पहले पहुँचेगी, यानी थर्सडे 6 AM को निकल सकती है, तो थर्सडे 6 AM वापस हो लेगी। सेम गोज विद T4, T4 यानी थर्सडे को वापस होगी, तो T3 और T4 मिलके क्या क्या कवर कर रहे हैं, ट्यूसडे है ना, थर्सडे सैटरडे है ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है ना, इस वीक ऐसा चलता रहेगा। ये मंडे वेंसडे फ्राइडे कवर किया, देन ये फ्राइडे के बाद संडे कवर करेगा है ना, फिर ये जो ऑड ये इवन डेज वाला था ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये फिर मंडे कवर कर लेगा ऑड डेज में, ऑड इवन चेंज होता रहेगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास इतना बस चाहिए कि डेली 6 AM निकलने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेन्स हों। तो मंडे के लिए T1 ट्रेन है यहाँ से मंडे के लिए T2 ट्रेन है, वेंसडे के लिए यहाँ से T2 ट्रेन है, वेंसडे के लिए यहाँ से T4 ट्रेन या T1 ट्रेन है, फ्राइडे के लिए यहाँ से T1 ट्रेन है, यहाँ से फ्राइडे के लिए T2 ट्रेन है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ट्यूसडे के लिए यहाँ से T3 डाल देते हैं इधर से ए से, और ट्यूसडे को ही बी से T4 निकाल देते हैं, तो थर्सडे को T4 ए से निकलेगा और फ्राइडे और थर्सडे को ही T3 जो है वो बी से छूटेंगे, सैटरडे को T3 सॉरी हाँ सैटरडे को T3 ए से और सैटरडे को ही T4 बी से निकलेगा, राइट। आपको अब तक समझ आ गया होगा कि इसमें टोटल हमें ये मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कितनी ट्रेन चाहिए टोटल, तो देखिए 4 ट्रेन चाहिए, राइट, क्योंकि 48 आवर्स से जस्ट कम है इसलिए 4 ट्रेन चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता कि 24 आवर से कम होता, तो आप देखिए कि जैसे मान लीजिए 6 बजे निकली, मान लीजिए रात में 2 बजे पहुंच गई 2 AM पे, तो वहाँ से फिर वो 2 बजे निकल सकती है, राइट। तो एक ट्रेन मान लीजिए T1 है, तो मंडे को ए पे होगी, ए से निकलेगी, ट्यूसडे को बी से निकलेगी, वेंसडे को ए से निकलेगी, थर्सडे को बी से निकलेगी, तो ऑल्टरनेट डेज पे ए बी चेंज कर रही है वो, तो बस एक एक ही ट्रेन और चाहिए हमें जो कि ऑल्टरनेट डेज पे वो भी ए भी चेंज कर रही हो, बट जब ये वाली ट्रेन 1 जो है जो ए जब ए से निकले उसी टाइम ट्रेन बी जो है ट्रेन 2 जो है बी से निकल ले, राइट। देन जब ट्रेन ए नेक्स्ट डे बी से निकले तब ट्रेन 2 नेक्स्ट डे यानी कि उसी दिन ए से निकल ले, उस केस में हमें 2 ही ट्रेन चाहिए होती अगर 24 आवर से कम ड्यूरेशन होती, बट यहाँ पे क्योंकि इनको रिपीट करना है इटसेल्फ 24 आवर्स सॉरी हाँ 24 आवर्स में रिपीट करना है, और एक ट्रेन का दूसरे एंड पे पहुंचने में 42 आवर्स लगते हैं, तो एक तो दोनों एंड से चलना है, तो इसलिए एक के बजाय 2 ट्रेन चाहिए। देन दोनों एंड से चलने में भी एक ट्रेन का जो ड्यूरेशन है वो 1 दिन से ज़्यादा है, तो इसलिए 2 ट्रेन और चाहिए, तो टोटल 4 ट्रेन चाहिए यहाँ पे, राइट। डी इज़ द राइट आंसर, आप इसको एक बार वीडियो में जो भी बताया वो देखना, देन इसको खुद से करना, एक बार इमेजिन करना कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, यहाँ से ए से जा रही है भाई मंडे को अगर गई तो कब पहुँचेगी वहाँ, है ना, रात में कुछ पहुँचेगी वेंसडे की रात में, मतलब ट्यूसडे की रात में पहुँचेगी, तो वेंसडे को सुबह 6 बजे वापस आएगी ना, तो अब वेंसडे को सुबह 6 बजे ए मतलब जो ट्रेन 1 निकली यहाँ से, तो अब बी वाली भी वेंसडे को सुबह 6 बजे ए से वापस आएगी, तो अब देखिए मंडे की सुबह कवर हो गई दोनों साइड से और वेंसडे की सुबह दोनों साइड से कवर हो गई, बट ट्यूसडे का बचा है तो ट्यूसडे के दोनों साइड से चला दें क्योंकि ट्रेन, और फिर उसके बाद हमें देखा जिगजैग बन जाता है, अल्टरनेट वीक्स में वो मंडे वेंसडे फ्राइडे कवर करेंगे, एक ट्यूसडे थर्सडे और वो सैटरडे कवर करेंगे, राइट, संडे में इंटरचेंज होता रहेगा। सो डी इज सी इज द राइट आंसर 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, अ फ्राइट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 2 आवर्स लेटर एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई फॉलोइंग द फ्राइट ट्रेन ऑन ए पैरेलल ट्रैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार फ्रॉम द दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्राइट ट्रेन। ठीक है, दिल्ली मुंबई है ना, ये पहले नाम भी था किसी का, ठीक है, तो दिल्ली
टू मुंबई दो ट्रेन चलती हैं, एक तो फ्राइट ट्रेन है। फ्राइट ट्रेन का क्या होता है, ये मतलब वो जो सामान वामान ले जाते हैं ना, गुड्स वाली ट्रेन है ना, जिसमें मान लीजिए ऑटोमोबाइल्स जा रहा है, कुछ और जा रहा है ना, कॉटन जा रहा है, किसी में कुछ भी जा रहा है, मतलब मैनुफैक्चर गुड या ऐसा कुछ सामान। तो ये यूजली क्या होता है, इनमें पैसेंजर तो होते नहीं हैं, तो ये रिलेटिवली एक्सप्रेस से तो स्लो चलते हैं, राइट। अपने को इतना ही जानना है, अपने को तो वैसे कुछ भी नहीं जानना था, अपने को इतना जानना था कि फ्राइट ट्रेन की स्पीड है 40 और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 60, बस इससे ज़्यादा कुछ जानने ही नहीं है। फ्राइट ट्रेन क्या होती है, एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है, कौन सी फास्ट होती है, स्लो होती है, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे जो दिया है अभी, अगर यहाँ पे दिया होता भाई फ्राइट ट्रेन फास्ट है तो हम उसको लेते हैं फास्ट, राइट। तो कुछ जानने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बस वो एक्स्ट्रा बता दिया, क्वेश्चन में कहीं यूज़ नहीं आएगा, है ना। किसी को अगर ना पता हो कि फ्राइट ट्रेन क्या होती है तो उसके लिए बता दिया, राइट। तो दिल्ली टू मुंबई फ्राइट ट्रेन चलती है एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो फ्राइट ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। 2 आवर्स लेटर दूसरी ट्रेन चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन है ना, ई मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी को, एक्सप्रेस ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये बोल रहा है कि इतना बता दो कि दिल्ली से कितना दूर दोनों मिलेंगे, राइट। ये अब एक्सप्रेस ट्रेन बाद में चली है, बट एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट है, राइट। फ्राइट वाली ट्रेन पहले चली थी बट वो स्लो है, इसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का देखते हैं, टी टू एम मान लेते हैं 2 आवर्स बाद चलती है ना, तो 2 आवर्स वाले पे फ्राइट ट्रेन यहाँ पे होती है, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया, उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना कवर करेगी, 2 × 40 दैट इज 80 किलोमीटर, 2 आवर्स इज द टाइम एंड 40 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, राइट। तो 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा जो फ्राइट ट्रेन इन 2 आवर्स। अब इस मोमेंट पे जब फ्राइट ट्रेन यहाँ पे है तब एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जाता है, राइट। उसकी कितनी स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब बताइए दोनों अगर सेम स्पीड में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनका रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 60 - 40 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। आप ही बताइए, जैसे मान लीजिए फ्राइट ट्रेन जो है, फ्राइट ट्रेन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, राइट। वो फ्राइट ट्रेन आगे जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये एक्सप्रेस ट्रेन पीछे आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर फ्राइट ट्रेन में बैठ के कोई देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन मेरी तरफ आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि फ्राइट ट्रेन खुद भी 40 किलोमीटर पर आवर से तो जा रही है, बट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है उसके साइड, राइट। तो रिलेटिवली उसको क्या लगेगा कि भाई 20 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। ये तो हुआ समझने के लिए, इक्वेशन के टर्म में अपने को पता ही है ना, V2 by V1 कर देते हैं सीधे। तो V1 अपना क्या है, यहाँ पे V1 है अपना 40, किसकी स्पीड है, फ्राइट वाले की, क्योंकि फ्राइट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। V2 कितना है, 60, ये को किसकी है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है। तो V2 - V1 कर दिया सीधे हमने, V2 - V1 60 - 40 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई रिलेटिव स्पीड। अब ये बताइए रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, है ना, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है। अब रिलेटिव डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगी कि एक को रोक दो, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है उस तक जाने के लिए, है ना। तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि हमने ट्रेन बी को रोक दिया, जिस मोमेंट पे ट्रेन ए चली उस मोमेंट पे हमने ट्रेन बी को रोक दिया, है ना, ये बी मतलब फ्लाइट वाली को रोक दिया, और एक्सप्रेस वाली को कितने से चला दिया, 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज का कॉन्सेप्ट यही होता है, इसका रिलेटिव कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको अज्यूम करो कि रुक गई है, और जिसको देख रहे हैं उसको V2 - V1 यानी कि रिलेटिव स्पीड से चला दो। रिलेटिव स्पीड ऑफ व्हाट, रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, व्हेन वी आर, है ना, कैलकुलेटिंग या जो भी ऑब्जर्वर है वो 1 पे है,
तो ऐसे लिख देंगे वी टू माइनस वी वन, यानी कि वी टू में जो वी वन का इफेक्ट था उसको निकाल दिया और उसके बाद वी वन को हमने जीरो डाल दिया। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों की स्पीड से हमने वी वन को घटा दिया। अब पहले वाले की तो वी वन ही थी तो वी वन माइनस वी वन जीरो हो गया, दूसरे वाले की वी टू थी तो वी टू माइनस वी वन कितना हुआ, वी टू माइनस वी वन। तो या तो आप ऐसे कह लो कि भाई 20 किलोमीटर पर आवर से इसको चला दिया और इसको एफ को दिया रोक, तो ये एल डिस्टेंस पे है ना, ये ऐसे कह लो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। या दूसरा ऐसे कह सकते हैं कि ये भी एफ भी चलता रहेगा है ना, ई भी चलता रहेगा, बट इनके बीच में जो इनिशियल गैप था वही कवर करना पड़ेगा इसको मेन, क्योंकि बाकी आगे जो गैप क्रिएट होगा है ना, वैसे गैप तो क्रिएट नहीं होगा, गैप कवर ही होगा, तो उसका बट जो भी इफेक्ट होगा वो हमने कंसिडर कर लिया रिलेटिव वेलोसिटी में है ना। तो बट हमें ये जो डिस्टेंस है एल ये कवर करना बचा है। अगर दोनों साथ में चलते तो क्या होता भाई, साथ में चलते तो एक्सप्रेस हमेशा आगे निकल जाती तुरंत और फिर कभी फ्रंट उसको कैच नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो आगे जस्ट आगे निकल, दोनों की स्पीड इक्वल नहीं है। अगर दोनों सेम जगह से चल रहे हैं और स्पीड अलग अलग है तो जो फास्ट है वो पहले आगे चली जाएगी, फास्ट वाले आगे चली जाएगी तो बस हो गया है ना, दोबारा कभी स्लो वाला उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। बट इसमें क्या है कि जो फ्राइट है यानी जो स्लो वाली है वो आगे है ऑलरेडी, जब फास्ट वाले ने स्टार्ट किया तो स्लो वाली 80 किलोमीटर आगे है, तो फास्ट वाली को रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन जो कि 20 किलोमीटर पर आई है, इससे उसको जो इनिशियल डिस्टेंस वो डिफरेंस क्रिएटेड है उसको कवर अप करना पड़ेगा। देखते हैं वो कितना आता है। हमारे पास वी रिलेटिव है 20 किलोमीटर पर आर एंड डी रिलेटिव, डी रिलेटिव का रिलेटिव डिस्टेंस 80 किलोमीटर, टाइम कितना टाइम लगेगा 80 किलोमीटर बाय 20 km/h इक्वल्स टू 4 आवर्स। 4 घंटे में ये कवर अप कर लेगी। ये 4 घंटे हमने कहाँ से निकाले, 4 घंटे जबकि एक्सप्रेस चलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये 4 घंटे वहाँ से क्यों नहीं आए कि हमने जब फ्राइट चलना स्टार्ट किया है, मतलब पता कैसे चल रहा है, पता ऐसे चल रहा है कि हमने फ्राइट वाले का जो 2 घंटे में जितना कवर किया था वो डिस्टेंस कंसिडर कर लिया ऑलरेडी, राइट। जो फ्राइट वाली ट्रेन थी वो इनिशियल 2 आवर्स में जितनी डिस्टेंस कवर करती है यानी 80 किलोमीटर है उसको हमने कंसिडर किया। देन जब एक्सप्रेस वाली ट्रेन स्टार्ट करी है वहाँ से हम जर्नी को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब वहाँ से हम जर्नी को कंसिडर कर रहे हैं, उसके पहले वाली हम जर्नी उतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसके पहले वाली जर्नी में बस इतना देख रहे हैं कि जो ये अपना था फ्लाइट वाली ट्रेन वो एक्सप्रेस के स्टार्ट होने से पहले कितना आगे जा चुकी है, एक्सप्रेस को वही डिस्टेंस रिलेटिवली कवर करना होगा, एक्चुअल में डिस्टेंस तो ज़्यादा कवर करना होगा क्योंकि फ्लाइट वाली भी आगे जा रही है, ये वाली भी अपना आगे जा रही है, ये एक्सप्रेस भी, तो एक्चुअल में दोनों को डिस्टेंस अलग अलग कवर करना पड़ेगा। बट आप ऐसे सोचिए, मतलब अलग अलग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, जब 2 आवर्स के बाद से, एक्चुअल में तो एकदम अगर जीरो से लेंगे कि क्योंकि दोनों ही यहाँ से स्टार्ट हुए थे, मान लेते यहाँ कहीं मिलते हैं तो दोनों को ये बराबर कवर करनी पड़ेगी। बट मैं अलग अलग इसलिए बोला क्योंकि फ्लाइट वाली यहाँ है जब से हम कंसिडर करें 2 घंटे बाद से, और एक्सप्रेस वाली यहाँ है तो इसको इतना करना पड़ेगा, इसको इतना करना पड़ेगा, राइट। मतलब बेसिक फंडा यही है कि हमें फाइनली 20 किलोमीटर पर आवर वाला चीज़ निकालनी है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी होगी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, और अपने को ये भी निकालना है कि रिलेटिव डिस्टेंस, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, टू को जब रोक रहे हैं तो टू को हमने मतलब रिलेटिव निकाला, यानी कि टू वन को स्टॉप कर दिया, टू को वी टू माइनस वी वन से चला दिया, तो अब वन को स्टॉप किया तो वन है कितनी दूर, एल दूरी है, एल कितना था 2 आवर्स लगे थे, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो 14 × 2 यानी कि 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर को रिलेटिव वेलोस, ये रिलेटिव डिस्टेंस हो गई, टाइम निकालना था रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी 20, तो 80 बाय 20 कितना हुआ 8 आवर्स, सॉरी 4 आवर्स। तो अपने को बताना क्या था, हाउ फार फ्रॉम द दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्राइट ट्रेन। अब देखिए स्पीड कितनी है वी वन की 40, वी टू कितना है 60, वी टू के चलने के बाद कितना लगता है 4 आवर्स, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस 4 × 60 240 किलोमीटर। वी वन के चलने के बाद कितना टाइम लगा था, वी वन 2 घंटे तो पहले चला,
उसके बाद 4 घंटे और लगे, राइट। हमने ये जो 4 घंटे निकाले थे, 4 आवर 80/20 ये करके 4 आवर्स जो निकाले थे, वो हमने V2 के चलने के बाद निकाले थे कि V2 के चलने के बाद 4 घंटे लगेंगे, है ना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं जस्ट अभी, राइट। तो वो 4 आवर्स तो हमने V2 के चलने के बाद निकाले थे, तो हम V2 का डिस्टेंस ही कंसिडर करेंगे, मतलब V2 की स्पीड से निकालेंगे अगर इस इनिशियली निकल रहे हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 4 आवर्स लगे तो 240 आवर्स हो गए ख़त्म। बट अगर हम V1 का भी कंसिडर करें तो V1 तो भाई 2 घंटे और चला है पहले, तो V1 चला 6 घंटे, तो डिस्टेंस निकालें 6 आवर्स इंटू 40 किलोमीटर V1 की मतलब V1 की डिस्टेंस निकालनी है कि कितना जाएगा टोटल। V1 का वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम उसने लिया 6 आवर्स, तो ये भी 240 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम चाहे V1 से निकाले चाहे V2 से निकाले, बात सेम है, बट हमने जो एजम्पशन ली थी कैलकुलेट करते टाइम कि पहले V1 को हेड स्टार्ट दे दिया कितना 80 किलोमीटर और 80 किलोमीटर का, क्योंकि 2 घंटे में 80 किलोमीटर चला था, उसके बाद V2 को चलाया, देन रिलेटिव वेलोसिटी लिया, देन कंसिडर किया, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस हमने कितना था 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वही डिस्टेंस था जो इनिशियली कवर कर रखा था V2 के चलने से पहले। बट मैंने क्योंकि उस टाइम में समझाते टाइम ही बोला था कि ज़्यादा कवर करेगा, एक्चुअल डिस्टेंस ज़्यादा ही कवर करेगा, है ना। आपने अज्यूम कर लिया ये है, मतलब ये दिल्ली है या मुंबई है ना, ये एक्सप्रेस ट्रेन है मान लीजिए इसको ई, ये फ्राइट ट्रेन है एफ, यहाँ कहीं मीट होता है, तो हमें ये पूरा निकालना था। तो एक्चुअल में डिस्टेंस इतने ये इतना कवर किया, क्योंकि हमने भले से मान लिया कि F को रुका है और इसको V2 माइनस V1 से चला दिया, बट वो हमने कैलकुलेशन के लिए माना है ना, क्योंकि हमें रिलेटिव डिस्टेंस पता थी है, तो रिलेटिव डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी लगा देते हैं, सिंपली हो जाएगा, राइट। इसलिए हमने रिलेटिव में गए थे, बट एक्चुअल डिस्टेंस तो इतना हो गए। तो जब एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तब एक्चुअल वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे, तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, एक्सप्रेस वाले की 60 है, टाइम उसने लिया 4 आवर्स, फ्लाइट वाले की 40 है, टाइम उसने लिया 4 आवर्स, तो साथ में लिया ही 2 आवर्स पहले से लिया था, तो कितना हो गया 6 आवर्स, 6 आवर्स इंटू 240 हो गया, राइट। या हम ऐसे भी कर सकते हैं एकदम और बेसिक से ही जाएँ कि रिलेटिव भी लगाने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो ऐसे कर सकते हैं कि एक्सप्रेस की वेलोसिटी है V2 इंटू मान लेते हैं उसको लगते हैं टी आर्स, कितना लगता है टी आर्स, V1 को कितना लगेगा टी प्लस 2 आर्स, राइट। मान लेते हैं इनका मैच होता है यहाँ पे पी पॉइंट पे, है ना, इसकी डिस्टेंस है L, ये सब L के बराबर होंगे, दोनों L के बराबर होना ही पड़ेगा भाई, ये बताइए, दोनों स्टार्ट तो दिल्ली से कर रहे हैं, दोनों को जाना है मुंबई, भले से किसी ने पहले स्टार्ट किया बाद में स्टार्ट किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दिल्ली से एक पॉइंट पर स्टार्ट किया, मुंबई एक पॉइंट पर जाना है, ये बोल रहे हैं क्रॉस कब करेगा, एक को थोड़ा आगे भेज दिया उसके बाद दूसरा वाला स्टार्ट किया फास्ट वाला, अब बोल रहा है कब क्रॉस करेगा, तो जब भी क्रॉस करेगा तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड तो सेम हो गया, तभी तो क्रॉस करेगा। मान लीजिए दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर क्रॉस करता है, तो 800 किलोमीटर दोनों को चलना पड़ेगा ना, तभी तो क्रॉस होगा, क्योंकि दोनों उस मोमेंट पे 800 किलोमीटर दूर होंगे ना, जिस मोमेंट पे क्रॉस करेगा उस मोमेंट पे दोनों ही 800 किलोमीटर दूर होंगे ना दिल्ली से, तभी तो वहाँ पे क्रॉस किया, एक बस सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके सेम पोजीशन पे होंगे तभी तो क्रॉस किया है, राइट। सेम पोजीशन पे होंगे तो क्रॉस किया है, देन इनिशियल सेम था, तो इनिशियल सेम था और फाइनल भी सेम है, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी सेम है, तो वो मान लीजिए कुछ भी है ना, एल हमने लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड को, कि V2 स्पीड है 2 वाले की इंटू टाइम उसको कितना लगा, इक्वल टू V1, V1 वाले की स्पीड है, टाइम उसको कितना लगा, अगर टू वाले को 4 घंटे लगे तो V1 वाले को 6 घंटे लगे, अगर 2 वाले को 5 घंटे लगे तो इसको 7 घंटे लगे, क्योंकि 2 घंटे बाद V2 स्टार्ट हुआ है, राइट। तो बस अब रख देते हैं V1 इंटू 60 इंटू टी इक्वल टू 40 इंटू टी प्लस 2, 60t इक्वल टू 40t प्लस 80, 20t इक्वल्स टू 80, टी इक्वल्स टू 80/20, दैट इज 4 आवर्स, तो मतलब इससे भी आपका 4 आवर्स आ गया टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, हमें एल ही तो निकालना है, तो चाहे ये कर दें चाहे ये कर दें, ये वाले से निकालते हैं एल कितना आता है, V2 60 इंटू T4 कितना आया 240। अब
इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं v1 into t plus 2, तो v1 हो गया 40 into t plus 2 4 plus 2 that is 40 into 6 that is 240, राइट right, तो 240 किलोमीटर पे कैच करेगा, सी इज द राइट आंसर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.